बोलती है कि मेरी शादी फिक्स हो गई है, तो अब वापस से पृथ्वी पर लौटना है मुझे। अब यूमो जब वो पिल्स खा लेता है ना, तो उसको होश आ जाता है और वो अपने हाथ पे वो पेटल देता है। इसके बाद वो खुश हो जाता है। अरे जो जालन होती है ना, वो पृथ्वी के लिए रवाना हो रही होती है, तब यूमो उसका शुक्रिया अदा करता है। तो उसे बताती है कि तुम मेन गेट से नहीं, पीछे के गेट्स का बैरियर तोड़कर पृथ्वी पर जा सकते हो। यूमो अपने सींग से बैरियर पर जोर से मारता है, लेकिन बैरियर तो टूटता नहीं है। ऊपर से वो जोर से जख्मी हो जाता है, और ये सब अश्वान दूर से देख रहा होता है। इधर जावलान उसकी फिक्र करते हुए देखते हैं, तो उसको बहुत गुस्सा आता है। कुछ देर बाद बैरियर में क्रैक आ जाता है। रोते हुए उसको अलविदा कहकर कहती है कि तुम यांदन को ढूंढ लेना, और वहाँ से वो चला जाता है कि युवान सीक्रेट टेम्पल जाता है, जहाँ पर वो लोग सीक्रेट जो टेम्पल होता है ना, जहाँ पर विश मांगी जाती है, वो टूट चुका था, उसको वो सही कर रहे होते हैं कुछ सैनिक। वहाँ के सैनिक बताते हैं कि ये तो टूटने वाला था, लेकिन किसी मॉर्टल ने अपनी पावर देकर इसे बचा लिया। वो उसके क्रैक देख कर पता चल जाता है कि ये इमॉर्टल कोई और नहीं, यानदान है। अब वो उसे अपनी पावर देकर उसे पूरी तरीके से सही कर देता है, लेकिन इतनी ज़्यादा पावर तो थी नहीं, तो वो बेहोश हो जाता है। 800 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी तक उसने जो पावर दी थी पिलर को, उसके पास से युवान को होश ही नहीं आया था। तरफ मरमेन को एक फेरी बताती है कि एक रिपोर्ट आई है कि एक फेरी 800 साल से ज़्यादा हो गए है कि अब तक नाइन है, वो रिवर क्रॉस ही नहीं कर पाई है, वो उसी में भटक रही है। उसके दोस्त को पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं यानदान है। अगर वो 3 दिनों में रिवर क्रॉस नहीं कर पाई तो मर सकती है, लेकिन एक युवान ही था जो उसको बचा सकता था। तो जिंक्सी अपने गलत कामों को सुधारने के लिए युवान के पास जाती है और अपनी पावर देती है, अपनी पावर युवान को देती है। जिंक्सी बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है, और जिंक्सी कहती है अपने दोस्त से कि ये बात किसी को मत बताना। इधर लिंगवेन को पता चलता है कि युवान को होश आ गया है। एक कीड़ा सॉन्ग बैड जो किसी की भी बात बहुत दूर से सुन सकता है, उस कीड़े को वो उस युवान के पास भेज देती है। अब उसका दोस्त जाता है युवान के पास और उसे वो रिपोर्ट दिखाता है कि 3 दिनों में अगर यानदा ने वो रिवर क्रॉस नहीं की तो आत्मा पेड़ ऐसे आ जाएंगे और वो जल्दी ही मर जाएगी। युवान बिना देर के फिर से इम्पिटिनेस जो होता है ना, वो क्लिप वो उससे फिर से कूदने जा रहा होता है, तभी वापस सुपर मैजिस्ट्रेट आ जाते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं। युवान ब्रिज से कूदने के लिए कोई भी पनिशमेंट खाने को तैयार है अब, और एम्परर से उसे एक बार यानदान से मिलने के लिए भीख मांगता है। एम्परर युवान को इतना गिड़गिड़ाते हुए देखकर उसे परमिशन दे देते हैं। 800 साल बाद यानदान को देखता है कि वो पूरी तरीके से उसके बाल वाइट हो चुके हैं। वहाँ पर यानदान अपना पूरा सब कुछ खो चुकी होती है, उसके सेंसेस भी कमज़ोर हो गए होते हैं, उसे आंखों से दिखाई भी कम देता है। युवान जब उसको ऐसी हालत में देखता है तो एकदम जैसे तड़प सा जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब युवान जाकर यानदान का हाथ पकड़ लेता है, तो यानदान को लगता है कि शायद ये झेंग है, तो वो बोलने चलती है कि झेंग, तभी झेंग भी वहाँ आ जाता है। जैसे ही वो कुछ बोलता है तो युवान उसको रोक देता है कि इसको मत बताओ कि मैं युवान हूँ, क्योंकि अगर इसको पता चल गया कि मैं युवान हूँ तो इसे और भी दर्द होगा। तो वो अपनी आवाज़ बदल लेता है और फिर झेंग की आवाज़ में बोलने लगता है। अब वो उससे कहता है कि तुम थोड़ा आराम कर लो, तो बोलती है लेकिन मेरे सेंसेस तो बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, लेकिन मेरी एक भी याद नहीं मिटी है, मुझे सब कुछ एकदम पहले जैसा याद है, तो इससे बढ़िया है कि मैं 3 दिन बाद मर ही जाऊँ। युवान बोलता है ठीक है, लेकिन चलो थोड़ा आराम कर लो। अब वो वहाँ पर लेकर जाता है जो उसने लोटस अपने हाथों से बनाया हुआ होता है ना, उस पर ये जलाता है और बोलता है कि स्मेल आ रही है तुम्हें, तो बोलती है हाँ हल्की हल्की सी आ रही है। उसके बाद वो उसके हाथों को गर्म करने के लिए उसको एक वॉर्म एक बॉटल देता है, बोलता है इसको पकड़े रहो। वो उसको पकड़ती है तो बोलता है तुम्हें ठीक लग रहा है ना, तो वो बोलती है हाँ ठीक लग रहा है। तो युवान थोड़ा सा तो उसके मन में उम्मीद जगती है कि इसको बचाया जा सकता है। फिर वो क्या करता है ना कि उससे कहता है लेट जाओ, जैसे उसको लेटाने चलता है देखता है उसके पैर एकदम लाल हुए रहते हैं, तो वो बोलता है तुमने कि क्या हालत कर ली अपनी, इतनी चंचल थी तुम। बस अपने मन में ही सोचता रहता है कि इतनी चंचल और इतनी ज़्यादा बात करने वाली लड़की की मैंने कभी नहीं सोचा था ये हालत होगी, और वो रोने लगता है। अब हम इधर देखते हैं कि जो आसवान और जॉलन होते हैं ना, वो आसवान क्या करता है ना, जॉलन से हमेशा मिलने आता है, लेकिन 800 साल के बाद भी उसने अभी तक आसवान से शादी नहीं की थी, क्योंकि वो हमेशा उसे इग्नोर करती थी, और जब भी वो उससे मिलने जाता था तो वो कह देती थी कि वो बीमार है और वो शादी नहीं कर सकती। लेकिन इस बार आसवान कहाँ रुकने वाला था, वो अंदर चला जाता है, देखता है कि जॉलन ऐसे बैठी रहती है। बोलता है कि तुम 800 साल से बहाना बना रही हो मुझसे शादी ना करने का, लेकिन अब तो तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी, देखता हूँ तुम कैसे रोकोगी। वो बोलती है मैं नहीं करूँगी, तुम कुछ भी कर लो।
तभी योमो ने उसे एक गिफ्ट दिया था, वो उसके हाथों से गिर जाता है। वो जैसे उसको उठाने चलती है तो आशवान क्या करता है ना, उसे पहले ही उठा लेता है और बोलता है कि जब तक तुम मेरे से शादी नहीं कर लेती ना, तब तक तो मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा। बोलती है कि दे दो मुझे, तो बोलता है पहले शादी के लिए तैयार हो जाओ। अब वो क्या होता है ना कि वो जो साउथ सी है, वो वहाँ की प्रिंसेस है, वो सिर्फ वहाँ पर राज करने के लिए उससे शादी करना चाहता था। आशवान होता है वो अपने फादर के पास जाता है जो कि ड्रैगन किंग होते हैं, और वो उसे स्नेल दिखाता है जो कि यूमो ने जूमो जो कि अभी वो छीन कर लाया था। उसे देखते ही उसके फादर जान जाते हैं कि ये तो 9th क्लैन के डिसेंडेंट का है, ये सिर्फ उन्हीं के पास हो सकता है। जब पहले ये लोग थे तो इन्हीं का राज पूरे समुद्र पर हुआ करता था, तो इससे पहले कि वो अपनी आवाज़ उठाए तुम्हें तो उसको मारना होगा। तो वो अपने फादर से इजाज़त लेकर पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार होता है और बोलता है कि वो जल्दी से जल्दी यूमो को मार गिराएगा। उसके फादर बोलते हैं हाँ ठीक है। इसके बाद हम इधर देखते हैं कि जो युवान होता है वो क्या करता है ना कि यानदान के पास होता है, और उससे यादों को अच्छा करने के लिए वो एक लोटस का पूरा तालाब बना देता है और बोलता है कि तुम महसूस करो कि यहाँ बहुत सारे कमल हैं। बोलती है कि ठीक है, वो महसूस करती है, लेकिन वो क्योंकि दो प्यार करने वाले एक साथ होते हैं तो वो तितली वहाँ पर आ जाती है। तो उस तितली को देख कर उधर झेंग खड़ा होता है और बोलता है कि अरे ये प्यार करने वाली तितली यहाँ कैसे आ गई। थोड़ा हल्की सी आवाज़ जो है यानदान सुन लेती है और बोलती है ये झेंग कहाँ बोल रहा है। तुरंत ही युवान उसके गले को बंद करता है और बोलता है कि कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही बोल रहा है कि तितली आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। बोलते लेकिन यह जहाँ पर प्यार करने वाले होते हैं वो तितली तो वहीं आती है। बोलता है ये फॉरबिडन रिवर है, यहाँ पर तो बहुत सारे प्यार करने वाले बिछड़ जाते हैं। अब ये यानदान ने क्योंकि उसे झेंग समझ रही थी तो बोलती है मेरा प्यार तो एक तरफा था, तो ये तितली भला जन्म भी कैसे लेगी। ये सुनकर युवान को थोड़ा बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालता है। अब हम इधर लिंगवेन को देखते हैं कि जो एक किंग होते हैं उनको बुलाती है और बोलती है कि आप बहुत दिनों से बीमार हैं, आप अपने आप को सही कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 4 लोटस लीफ के द्वारा। तो वो अभी वो फॉरबिडन रिवर पर है, आप जाकर उसको मार गिराइए और अपने आप को ठीक कर लीजिए। इधर युवान और यानदान दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी उधर से जो वो किंग होते हैं वहां पर हमला कर देते हैं। यानदान को पकड़ने के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। देखते हैं कि युवान यानदान को बचाने के लिए उसे एक प्रोटेक्शन में डालता है और उसके कानों को थोड़ी देर के लिए बंद कर देता है और करता है वॉर जो वो किंग होते हैं। लेकिन वो जैसे ही किंग पर वॉर करता है उसे पता चल जाता है कि ये किंग है, उसको तीन लॉर्ड के द्वारा इसे मार दिया गया था, लेकिन ये आज तक जिंदा कैसे है और इसे ऐसे कैसे इसका हाथ खराब हो गया। और इसका हाथ वहीं पर ख़राब हुआ था, तब से सही नहीं हुआ, लेकिन ये आज तक यहाँ पर कैसे है इसके बारे में उसे पता नहीं लग रहा था। उधर किंग हेडो को भी पता चल जाता है कि ये युवान है, कि मैं तो यहाँ पर 4 लीफ लेने आया था। और उधर वो जो लिंगवेन ने वो जो कीड़ा भेजा था ना युवान को, उसके बारे में पता चल जाता है, वो उसे जलाकर वहीं राख कर देता है। इतनी देर में अब यहाँ पर युवान एक चीज़ तो समझ गया था कि हमें मुझे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो अब यानदान की यादें तो जा नहीं रही थी, तो वो क्या करता है ना, जब पीछे देखता है कि यानदान तो वहाँ पर है ही नहीं, वो अकेले रिवर क्रॉस कर रही होती है यानदान। तो युवान जाता है और बोलता है कि तुम अकेले क्यों रिवर क्रॉस कर रही हो, तो वो बोलती है कि ये मुझे अकेले ही करना है, वैसे भी कुछ ही टाइम बचा है मेरे मरने में, तो अब उसके पास वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो तुम यहाँ से जाओ। और हेड किंग की टारगेट वो है। अब युवान यहाँ पर अपनी पावर से एक पिल बनाता है जिसके जरिए वो डार्क फोर्सेस के पास जाता है और उससे मेमोरी इरेज करने के लिए पावर मांगता है। तो यहाँ पर जो उसके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन में उसे सही जवाब देना ही देना है, तो पहला और दूसरा तो उसका गलत हो जाता है, तीसरे में वो कबूल करता है कि हाँ वो उसे अपने प्यार को बचाने के लिए सिर्फ ये करना चाहता है। तो वो उसके पास पिल्स आ जाती है और जैसी पिल आती है वो यानदान को खिलाने जाता है और वो अपनी पुरानी बातें याद करता है, उसके माइंड में घुसकर सारी चीज़ों को रिवाइंड करता है। फिर उसे लास्ट किस करता है और बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बट ये हमारा आखिरी टाइम है, अब तुम अपनी तरफ और मैं अपनी तरफ, और उसे अलविदा कहता है। बाहर भी वो आकर किस करता है क्योंकि उसका हार्ट जो होता है आधा होता है, तो उसे बहुत दर्द हो रहा होता है अपनी यादें भूलने की वजह से, तो उसको किस करके उसको थोड़ा सा रिलीफ देता है। फिर क्या करता है ना, उसे ज़मीन पर लिटा देता है, होता है कि जैसे ही लैंटेन बुझेगी तुम वैसे पृथ्वी पर चली जाओगी। तो वो देखता है कि लैंटेन बुझ गई और वो पृथ्वी की तरफ जाने लगती है यानदान, और वो खुद तेज रोता रहता है। तभी अचानक उस पर कोई हमला करता है, वो देखता है कि वो इंसान पूरा मुखौटा पहने हुआ होता है और उस पर वो इतनी ही तेज़ी से हमला करता है। तभी युवान को पता चल जाता है कि ये वो बस इसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, असली वजह तो कुछ और है। वो फिर किंग हेडो को देखने आता है जहाँ पर उसे पहले ही मार दिया गया होता है। अब युवान बिना देर के सुप्रीम मैजिस्ट्री के पास जाता है और बोलता है कि मुझे पता चला है कि जो हेवनली किंग वॉर हुआ था उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई थी जिसकी वजह से
मुझे पृथ्वी पर जाना पड़ेगा और मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता करना पड़ेगा। तो सुपर मैजिस्ट्री बोलते हैं कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन ये बात किसी को पता ना चलने पाए कि तुम किस मकसद से गए हो। सबसे ये बोल दो कि तुम जो हो उस क्लिप से कूदे थे, इसकी वजह से तुम्हें ये सज़ा मिली है कि तुम एक इमोर्टल बन गए हो और अपनी सज़ा भुगत रहे हो। 9 साल से योमो जो होता है ये अंधन की तलाश कर रहा होता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिल रहता है। तभी आसवान उस पर ढूंढ कर उस पर अटैक कर देता है। इस बार योमो अपनी आइडेंटिटी के बिना फिक्र किए अपनी सारी पावर यूज करके वहीं पर गिराकर वो भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जिलिन नाम का एक लड़का आता है जो एक कछुआ होता है। अब आसवान तो जैसे यूमो के पीछे ही पड़ गया था, वो फिर उसके पीछे पड़ जाता है। इधर जिलिन भी कुछ लोगों से लड़ते झगड़ते भाग रहा होता है और दोनों आपस में टकरा जाते हैं। दोनों एक दूसरे की हेल्प करने लगते हैं। जहाँ पर फाइट के बीच अब एक हुक होता है जिससे 9th क्लैन के लोगों को मारा जा सकता है। तो आसवान क्या करता है ना कि उसकी तरफ वो फेंकता है और वो उसके अंदर लग जाती है। तो अब लास्ट चांस होता है यूमो के पास, वो अपनी पूरी पावर यूज करता है और आसवान को हरा देता है। लेकिन वहाँ पर क्लिप लगने की वजह से उसकी हालत बहुत डाउन हो जाती है। तो आसवान फिर से अटैक करता है, इसके पहले जिलिन उसको बचा लेता है और उसको लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी है और पृथ्वी पर ऐसा माना जाता है कि हर चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि लोग कहते हैं भगवान है, कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं है, कुछ लोग कहते हैं भूत हैं, कुछ लोग कहते हैं भूत नहीं है। बट अगर पृथ्वी है तो सब कुछ मुमकिन है। मतलब कहीं ना कहीं तो 1% तो विश्वास होता है ना कि हर चीज़ एग्जिस्ट करती है पृथ्वी पर। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ फ्लावर होते हैं जो रियल मानव का रूप ले सकते हैं, फिर फ्लावर बन सकते हैं। कुछ ऐसे पशु पक्षी हैं जो इंसानों का रूप ले सकते हैं और इनके पास शक्तियाँ भी होती हैं। यूमो जो होता है ना मैजिकल पॉन्ड में बैठता है, वहाँ पर अपनी पूरी पावर जगाता है। थोड़ा बहुत ठीक हो गया होता है ना यूमो तो उसको लेकर जाया करता है। अचानक से वो देखता है कि वो और पूरी झाड़ियाँ उसको घेर ली हैं और वहाँ पर एक न्यू आदमी की एंट्री होती है जो कि एक बहुत ही बड़ी मछली कैटेगरी का होता है। और वो होता है मगरमच्छ जो कि इंसान का रूप ले लेता है और वो ये चाहता है ना कि सारे और प्रजाति के स्पिरिट्स मर जाएं, सिर्फ एनिमल प्रजाति ही बचे जिससे वो एनिमल प्रजाति सब पर राज कर सके। तो वो बोलता है कि जिलिन तुमको भी मरना पड़ेगा, और जिलिन के सारे दोस्तों को भी लाया होता है कि आज तो इन सबको भी मरना पड़ेगा। तो जिलिन बिना देर के उससे लड़ने लगता है और खुद से लड़ता है, लेकिन वो उससे जीत नहीं पाता है। तो वो जो आदमी होता है उसका नाम होता है चीचू, तो वो बार बार उस पर हमला करता है। अब यूमो बिना देख के उस पर हमला कर देता है। यूमो के ऐसे हमला करते हुए देखकर वो बिल्कुल भी नहीं घबराता और अपने रियल फॉर्म में आ जाता है, मतलब पूरा का पूरा बन जाता है मगरमच्छ और उस पर हमला कर देता है। तो असल बात ये होती है ना कि उसने अपनी मैजिकल जो ब्लैक पावर होती है उससे बाकी एनिमल्स को अपने कब्जे में कर रखा होता है। यूमो ये बात जान गया होता है तो वो अपनी पावर यूज़ करके सिर्फ उन पर पानी से अटैक करता है, बाकी उनको ऐसे छोड़ देता है। लेकिन चीचू कहाँ संभलने वाला था, तो जब वो उसको मारता है तो उसके अंदर से पूरा ब्लड निकलता है जो कि ब्लैक मैजिकल पावर का होता है। तो जिलिन उसको बचाते हुए एक गोल घेरा बनाता है और सारे का सारा जो पॉइजन होता है वो अपने अंदर जिलिन ले लेता है। इसके बाद जिलिन काफ़ी ज़्यादा जिलिन की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो यूमो क्या करता है ना उसे अपनी पावर देता है और उसे ठीक कर देता है। इसके बाद जितने भी लोग वहाँ के होते हैं वो यूमो को अपना सरदार मान लेते हैं, अपना सब कुछ मान लेते हैं, अपना किंग मान लेते हैं। वो ना तुरंत ही राजा बनने से मना कर देता है। तो जिलिन बोलता है कि तुम जो कहोगे वो हम लोग करेंगे। तो इस पर यूमो बोलता है कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ का किंग कैसे बन सकता हूँ। तो इस पर जिलिन बार बार रिक्वेस्ट करता है कि हम सारी स्पिरिट मिलकर उसको ढूंढेंगे। तो यूमो बोलता है ठीक है, लेकिन मैं अकेले ही यहाँ का किंग नहीं बनूंगा, तुम भी मेरे साथ बराबर के हकदार होगे। अब सब बहुत खुश हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि यांदान पृथ्वी पर आ गई होती है और वो एक न्यूली मैरिड के कपल रूम में गिरती है। जैसे ही गिरती उन दोनों को देखती है तो वो दोनों चिल्लाकर भाग जाते हैं। बाहर चल रहा होता है एक ड्रामा, ड्रामा के अंदर जाकर वो अपना ही पूरा प्रदर्शन करने लगती है, जिसको देखकर सब खुश हो जाते हैं कि अरे वाह इसने तो बहुत ही अच्छा ड्रामा प्ले किया है। तो जो उसकी लीड होती हैं एक्ट्रेस, वो जाती हैं यांदान के पास और बोलती हैं कि क्या तुम मेरे ड्रामा में पार्ट प्ले करोगे, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छा कर रही हो। तो वो बोलती है ठीक है, वो ये करेगी। अब वो वहाँ पर तैयार हो जाती है। इधर हम युवान को देखते हैं कि जहाँ पर जिंक्सी का आज हाई मोटल बनने का दिन था, जिसका वो सपना था, तो युवान उसे हाई मोटल बना देता है जिंक्सी को। लेकिन ये कहता जरूर है कि तुम जो ये हाई मोटल बनी हो ना, ये से तुम अपनी बहन की जान लेकर बनी हो। जिंक्सी बहुत रोती है और वहाँ से चली जाती है। फाइनली युवान का दिन आ जाता है पृथ्वी पर जाने का। तो वो सब उसे गिफ्ट देने आते हैं, लेकिन युवान किसी का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करता, सिर्फ यांदान के दोस्त का वो जो लोटस का बीज होता है वो एक्सेप्ट करता है और सबसे जाने के लिए कहता है। तो उसके और उसके दोस्त से कहता है कि यांदान जिंदा है, लेकिन तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी वरना लोग हार्म करने के लिए उसे पृथ्वी पर पहुँच जाएंगे।
इतना कहकर वो पूरा अग्नि में जलकर पृथ्वी पर पहुंच जाता है। तो लिंगविन होती है, अब वो जो है वहाँ की पूरी हेड बन चुकी थी, जो कि अभी तक लिंगविन हेड बनी थी। और लिंगविन जो है सुपर मैजिस्ट्री के साथ रहने वाली थी, क्योंकि वो उनके साथ अब आगे काम करने वाली थी। जिंक्सी क्योंकि हमेशा से लिंगविन से बदला लेना चाहती थी, वो जो साउंड बेड था ना जो गायब किया था लिंगविन ने, और साथ में उसने एक पेटल पेंडेंट भी गायब किया था, जेडे पेंडेंट, जिसका आधा टुकड़ा सुपर मैजिस्ट्री के पास होता है। तो जिंक्सी वहाँ सब कुछ बता देती है कि कुछ दिनों पहले एक साउंड पैक भी गायब हुआ था, उसके बाद ये जेडे पेंडेंट आधा गायब है, तो मुझे नहीं पता ये कहाँ पर गया। सुपर मैजिस्ट्री चेक करने के लिए सबके रूम में भेजते हैं, जहाँ पर लिंगविन के रूप में वो आधा टुकड़ा मिल जाता है। वो आधा टुकड़ा मिलता है तो उसमें से एक अजीब सी खुशबू आया करती है, और ये खुशबू इसलिए होती है कि ये किसी आदमी को लुभाने के लिए खुशबू यूज की जाती है। अब जब ये खुशबू आ रही होती है तो अब तो लिंगविन फंस चुकी होती है। अब लिंगविन के पास बचने का भी कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा होता है, और ये जो खुशबू होती है ना, इसको कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, और इसकी कोई माफ़ी भी नहीं है, इसके लिए पृथ्वी पर ही जाना पड़ेगा। लिंगविन को ना वहीं पर ले जाया जाता है, और उसके बाद वो उसको एक पिल खिला देती है जिंक्सी, और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी यादों से कभी भी बाहर मत निकलो, और हमेशा याद रखो कि तुम एक फेरी थी जो हम बहुत ही कुटिल थी और दूसरों के ऊपर अत्याचार करती थी, और ऐसे ही जाकर वहाँ पर मरो। वो जैसे ही उसको खिलाती है पिल, अब वो जलने लगती है और पृथ्वी पर पहुंच जाती है। जिंक्सी यह देखकर थोड़ा बहुत तो सुकून की राह लेती है कि उसने अपना बदला ले लिया। मरमिन जब जिंक्सी को देख लेता है कि अपनी बहन के लिए वो इतना ज़्यादा कष्ट सह रही है, और बता देता है कि यानदान पृथ्वी पर अभी जिंदा है। इधर यूमो क्या करता है ना कि जो उसके हाथ में लोटस बना होता है, जिससे उसे पता चलता है कि यानदान जिंदा है, तो वो क्या करता है ना, उसको कंबाइन करता है सारे लोटस लीफ को, और उसके कुछ चीज़ें जो है उसका एक मोती बनाकर कुछ मछलियों को खिला देता है, जिससे वो मछलियाँ यानदान के बारे में पता करके यूमो को बताएं। अब ये मछलियाँ यानदान को ढूंढ तो लेती हैं, लेकिन यूमो को कुछ बता पाए इससे पहले ही हमारी यानदान जो इतनी चुलबुली है पृथ्वी पर आने के बाद फिर से ही उतनी चुलबुली हो गई हैं, और वो उन मछलियों को ना पकाकर तुरंत ही खा जाती है। तभी एक शख्स जो है यानदान पर अटैक करता है, क्योंकि वो खुलेआम अपनी पावर्स का यूज कर रही होती है, तो वो सोचती कहीं मैंने इसकी मछलियाँ तो नहीं खा ली, तो और वो अपने उस शख्स को चकमा देने के लिए अपनी हेयर पिन लगा कर वहाँ से भाग जाती है। इधर हम देखते हैं कि यूमो को सामने एक लड़का, उस जो ड्रामा जो वो हेवन में प्ले किया करती थी, वही अब वो पृथ्वी पर भी प्ले कर रही है, तो उसी की लाइन बोला करता है। जब यूमो वो लाइन सुनता है तो यूमो को याद आता है कि ये तो यानदान की लाइन है, और अब वो क्या करता है कि ना तुरंत ही जाता है, उस लड़के से पूछता है कि यानदान की उसे और इन्फॉर्मेशन बताए, और वो अब जिलिन के साथ यानदान से मिलने के लिए रवाना हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि जो ड्रामा ये चल रहा होता है, उस लीड हीरोइन होती है, बट एक लड़का उसके रूम में घुस जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहां पर यानदान आती है और उसको कूट कूट के उसकी हड्डी पसली एक कर देती है, और अब हमें पता चलता है कि वो लड़की जो है एक फ्लावर स्प्रिट है, बट वो इंसानों के बीच अपने आप को वैसे ही ढाल लेती है, उसे एक प्रिंस पेई से बहुत ही ज्यादा प्यार है, जिसकी वजह से वो पृथ्वी पर है। तो वो यानदान को बताती है कि वो अपनी पावर्स को ऐसे यूज नहीं कर सकती है, वो लोगों को पता चल जाएगा, फिर वो अपना पावर यानदान पर यूज को करती है, तो उसे पता चल जाता है कि वो एक लोटस फ्लावर स्प्रिट है, और वो उसे एक ब्रावल ब्रेसलेट देकर कहती है कि वो वेस्ट में जाएगी तो उसे फ्लावर स्प्रिट के लीडर मिलेंगे, जो कि वो ब्रेसलेट देकर उसकी हेल्प करेंगे। तो अब यानदान उससे कहती है कि वो उसके साथ चले, बट वो बोलती है कि नहीं, वो प्रिंस को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तो यानदान अकेले ही घोड़े को लेकर उसे अच्छे से खाना खिलाकर भाग रही होती, तभी उस घोड़े का मालिक जो जिलिन होता है वहां पर आ जाता है। तो यानदान उसे चकमा देकर घोड़ा लेकर वहां से भाग जाती है। तब तक यूमो भी पीछे से आ जाता है, और यूमो अब जाता है अंदर, उस लड़की से मिलता है और यानदान के बारे में पूछता है, तो लेकिन वो उसे बताती है कि यानदान जैसी एक लड़की थी तो यहाँ पर, लेकिन अभी वो वेस्ट में गई है। पर वो एक फेवर मांगती है यूमो से कि वो यानदान के बारे में सब कुछ बता देगी, लेकिन पहले वो पेई के इलाज के लिए उसे एक पिल दें जिससे वो पूरी तरीके से सही हो जाए। तो यूमो उसे इमॉर्टल पिल दे देता है, जिससे कोई भी बीमारी सही हो सकती थी, लेकिन एक शर्त होती है कि कभी भी वो प्रिंस पेई को कोई मैजिक नहीं सिखाएगी, और 20 साल बाद वो ये पिल वापस ले लेगा। कि एक तरफ प्रिंस पेई को कुछ लोग मारने के लिए आ गए होते हैं, वहां पर वो फ्लावर स्प्रिट जाती है और सबको खूब मारती है।
अब वो अंदर जाती है और प्रिंस को खाने के लिए देती है। अब दूसरी तरफ यानदान फ्लावर स्प्रिट के एरिया में पहुंच जाती हैं, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं और वहाँ पर फ्लावर लीडर जो होते हैं वो यूमो के लिए वहाँ पर एक बहुत ही बेस्ट लड़की ढूंढ रहे होते हैं जो यूमो से शादी करके उसके साथ घर बसाए। तो बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, सब अपना अपना टैलेंट करके दिखाती है। तभी यानदान वहाँ पर अपना ड्रामा प्ले करके दिखाती है तो लीडर बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन यानदान के चेहरे पर कुछ दाग होते हैं तो वो उसको वाइफ बनने के बजाय ना सर्वेंट बना देते हैं। जो लीडर होते हैं ना वहाँ पर 8 सुंदर लड़कियों को चुनने के साथ साथ अपनी पोती जिसका नाम जिटेंग होता है पूरा तैयार कर रहे होते हैं उसे शादी करने के लिए, लेकिन वो थोड़ी पागल सी होती है। दूसरी तरफ जो है उस फ्लावर स्प्रिट के बताए हुए एरिया में पहुंचता है, जहां पर देखता है कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं। तो लेकिन तब तक यानदान वहां से भी जा चुकी होती है, वो 8 लड़कियों के साथ वो लीडर के साथ आगे जा चुकी होती है। यामो फ्लावर स्प्रिट को ना ढूंढ पाने की वजह से निराश होता है ना। जीटिंग जो होती है ना उसका पेट खराब हो जाता है। अब वो यूमो से शादी भी करने वाली होती है, उसका पेट भी खराब हो जाता है। तो अब लीडर के पास कोई रास्ता नहीं बचता है, तो वो क्या करता है ना यानदान से कहता है कि तुम उसकी वाइफ बन जाओ। पहले तो वो मना करती है कि नहीं मैं उसकी जगह नहीं ले सकती है। फिर हम देखते हैं कि येलेन माउंटेन पर अब 8 के 8 वहाँ लड़कियाँ खड़ी होती हैं, लेकिन आता है सबसे पहले जिलिन है सबको चेक करने। तो जब उन 8 लड़कियों को जिलिन देख रहा होता है तो यानदान देखती है कि अरे इसी का तो घोड़ा लेकर मैं भागी थी, तो वो अपना मुँह छिपाने लगती है। और तभी जिलिन उसे देखकर पहचान लेता है कि ये तो वही घोड़ा चुराने वाली लड़की है। वो यानदान को भागते देखकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन योमो आकर उसे बचा लेता है और फाइनली उसे ढूंढ लेता है। ये जुल्फे उड़ने लगती हैं, वो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो उसको अपनी वाइफ तुरंत ही घोषित कर देता है। फिर सारी फीमेल स्प्रिट उसको नहाने के लिए मजबूर कर देती है। अरे वो पिल भी दिखती है जिससे वो अपने चेहरे के दाग को हटा सकती है। वो जैसे ही खाने वो पिल चलती तभी योमो आ जाता है। योमो की तबीयत भी खराब होती है, लेकिन वो यानदान को वो पिल खाने के लिए दे देता है। तो यानदान उससे कहती है कि देखो मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बन सकती बट मैं तुम्हारी मेड बन सकती हूँ। तो योमो को तो बस उसका ये साथ चाहिए, तो वो मान जाता है और एक एग्रीमेंट बनाता है। वो बोलता है कि लेकिन अगले 100 साल तक तुम मेरे साथ रहोगी और ये तुम मेरी सर्वेंट हो, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। अब वो हेवेंस की टाइम की तरह ही ना उसको चुपके से खाना बनाकर खिलाती है, तो जिसे देखकर योमो का दिल तो पिघल सा जाता है। योमो यहाँ पर एक काम तो अच्छा करता है कि जैसे उसके हाथ पे यानदान ने फ्लावर की पेंटिंग करी थी जिससे पता चल सकता था कि यानदान जिंदा है, सेम योमो भी उसके हाथ पर बना देता है और जिससे उसको पता चल सके कि यानदान जिंदा है और वो हमेशा उसकी हेल्प कर सके। अब यहाँ पर बताया जाता है कि पृथ्वी पर कुछ टाइप के लोग रहते हैं, जिनमें से एक तो खुद मानव हैं, दूसरे स्प्रिट हैं जो आदमियों का रूप ले सकते हैं, और तीसरे जो बहुत ही ज़्यादा हाई पावर के होते हैं। जैसे किसी स्प्रिट ने कोई गलत काम किया ना तो उसको रोकने के लिए हाई पावर वाले लोग भी होते हैं, पनिशमेंट का काम उनको मिला होता है। अब यहाँ पर एंट्री होती है युवान की, जहाँ पर वो एक स्प्रिट कैचर मतलब वो जो आत्माएं होती हैं उनको पकड़ने का लीडर बना होता है। और क्योंकि अब वो इंसान है तो वो अपनी जो ऊपर गॉड वाली पावर है ना वो उसे पृथ्वी पर रहकर तो नहीं संभाल सकता था, सील्ड पहनाया गया था जिसमें उसकी सारी पावर कैद होती है और उसकी याददाश्त भी अब पूरी हेवन वाली गायब हो चुकी थी। अब वो एकदम पृथ्वी पर रहकर आदमियों जैसा ही रहता है। यहाँ पर उसका नाम तांसु है, लेकिन वो फिर भी रोज यानदान दिखती है पर उसका चेहरा नहीं दिखता है। तो इस बारे में अपने चीप से बात पूछता है तो वो उसे कहते हैं कि शायद वो लड़की ही पिछले जन्म में उसके साथ थी, या फिर ये सपना एक चेतावनी है कि तुम्हें इस तरह की स्प्रिट से ना दूर रहना चाहिए। फिर युवान माउंटेन छोड़कर इन स्प्रिट्स को पकड़ने के लिए दूसरी तरफ जाता है। अब हम देखते हैं कि यानदान जाती है, एक कब्र टाइप बना होता है वहाँ पर जाती है और जैसे उसको खोलती है तो अंदर टॉर्टोइज होता है वो कछुआ, और जैसे उसको छूने चलती है तो वो तो जिलिन ही होता है। जिलिन उसके सामने आ जाता है। अब उसके पास अच्छा मौका होता है, वो सबके सामने मजाक उड़ाने लगती है, ये तो कछुआ है तो कछुआ है, तो वो कि मैं ऐसा वैसा कछुआ नहीं हूँ समझी, मैं बहुत ही पावरफुल कछुआ हूँ, मुझे ना हेवन से यहाँ पर भेजा गया है और मुझे 2 लोगों ने भेजा है। तब यूमो को पता चल जाता है कि ये तो यानदान का कछुआ है जिसे युवान पलट दिया करता था। यानदान माउंटेन पर चिल्ला चिल्ला कर उसको मजाक उड़ाती रहती है बहुत देर तक। अब हम एक तरफ युवान को देखते हैं कि जहाँ पर एक स्पाइडर जो स्प्रिट होती है ना बहुत ही खतरनाक होती है, वो युवान पर अटैक करती है। दोनों के बीच काफ़ी देर तक लड़ाई होती है और अब वो उसको एक चीज़ में कैद कर लेता है। और यानदान को हम देखते हैं वो एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी में जाती है जिसे
योमो यानदान को गिफ्ट के रूप में देना था, बट यानदान कहाँ रुकने वाली थी, वो तो पहले ही वहाँ पर जाकर पढ़ पढ़ कर सो जाती है। योमो उसे बड़े ध्यान से देखा करता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वाइट फॉक्स क्लैन की बेटी जो है माउंटेन पर आई हुई होती है, और वो योमो से शादी करने की जिद करती है कि वो योमो से शादी करके, और वो अपने छोटे भाई का इलाज करवाना चाहती थी क्योंकि उसको बहुत ही गंभीर बीमारी थी, और वो इसके बदले सारी ज़िंदगी योमो की सेवा में लगा देगी। लेकिन योमो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, बट जिलेन उसकी खूबसूरती देखकर ना वहीं पर पिघल जाता है। वो बोलता है कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन वो जो प्रिंसेस होती है बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। प्रिंसेस से शादी की जिद पर अड़ जाती हैं, तो यानदान अब क्या करे, उसके पर उसको भी कुछ समझ में नहीं आता। अब उसे बातों बातों में अपना हाथ दिखाती है कि योमो उसको बहुत मारता है, वो तो उसकी पत्नी है। तब प्रिंसेस को लगने लगता है कि योमो अपनी वाइफ को बहुत ही टॉर्चर करता है। तो जैसे ही प्रिंसेस उससे पूछने लगती है चोट के बारे में, तो यानदान ना टॉपिक बदल देती है, वहाँ से भाग जाती है। अब प्रिंसेस को और शक हो जाता है कि ये जरूर योमो इसको टॉर्चर करता है। वो प्रिंसेस उसके रूम के बाहर से निकल रही होती है, तो बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। अब इस पर प्रिंसेस सोचती है ये क्या हुआ, और वहाँ जाकर देखती है तो योमो जो है ना यानदान को मार रहा होता है कोड़ों से। बल्कि रियलिटी ये होती है कि योमो मार नहीं रहा होता है, योमो तो बगल में बस कोड़ा पटक रहा होता है, और यानदान तो बढ़िया मज़े से खा रही होती है, ताकि जो है ना ये प्रिंसेस से जिद खत्म कर दे शादी की। अब हम देखते हैं कि यानदान उसके भाई को जाती है और अपनी पावर से सही कर देती है। अब यानदान को लगता है कि शायद प्रिंसेस चली जाएगी, और उसके शादी का भूत भी उतर गया होता है। लेकिन प्रिंसेस का तो अलग ही रूप निकल कर आ जाता है, क्योंकि प्रिंसेस कहती है कि तुमने मेरे भाई को बचाया है, इसके बदले में मैं उस पापी उस दुष्ट इंसान से शादी करूंगी, उसकी मार मैं सहन करूंगी, तुम नहीं सहन करोगी। यानदान का पासा ही पलट जाता है, अब उनका नाटक उन्हीं पर भारी पड़ जाता है। अब वो तो अब संकट में आ गई थी यानदान, और कुछ भी नहीं कर पा रही थी। योमो और जिलिन भी बाहर इन दोनों की बाहर बातें सुन रहे होते हैं। जो प्रिंसेस है अब यानदान को लेकर ही जाएगी। अब यहाँ पर यानदान को एक तरफ योमो खोजता है, एक तरफ प्रिंसेस खींचती है। अब तुरंत ही जो प्रिंसेस होती है वो योमो पर अटैक कर देती है कि इसका ख्याल मैं रखूंगी यानदान का। जैसे ही लड़ाई होने लगती है, तो अब जिलिन क्या करता है ना, प्रिंसेस को बचाता है, और उसका मुंह भी खुल जाता है क्योंकि उसने अपना मुंह ढक कर रखा होता है। अब थोड़ी देर बाद प्रिंसेस को पूरा क्लियर हो जाता है कि अभी तक जो कुछ भी चल रहा था वो एक नाटक था। वो बहुत सैड हो जाती है कि ये लोग मिलकर उसे उल्लू बना रहे थे, लेकिन जिलेन अब इस मौके का फ़ायदा बिल्कुल उठाना चाहता था, और वहाँ पर वो फिर से लाइन मारने लगता। बोलता मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपसेट नहीं होने दूंगा, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। इधर हम देखते हैं कि युवान के चारों तरफ बिजली गिरने लगती है, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उस पर हंस हंस कर चला जाता है। इधर युवान बिजली के झटकों से निकल नहीं पा रहा था, तो जो उसके अंदर वो ब्लैक स्प्रिट थी ना बाहर आती है और उसे पावर देती है। तभी हम देखते हैं कि हेवेंस में मरमिन को पता चल जाता है कि युवान की जान खतरे में है, तो वो तुरंत ही पृथ्वी पर आता है। ब्लैक स्प्रिट को पता चलता है कि वो आ रहा है, तो वो युवान के दिल में फिर से चला जाता है। तुरंत ही मरमिन जो है ना अपनी पावर युवान पे यूज करता है, और लेकिन उस पर कुछ असर नहीं होता है। तो यानदान का एक पेटल उसके पास था, वो युवान को देता है, युवान को होश आ जाए। तो फिर मरमिन उसे बचाता है कि वो एक ग्रेट गॉड है और यहाँ पर पृथ्वी पर एक टेस्ट देने के लिए आया है। फिर मरमन ना उसको सारी चीज़ें बताता है कि वो किस तरह इन सब चीज़ों को हैंडल करेगा और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है पृथ्वी पर। जी ने तुम पर अटैक करके ये सारे रूल्स तोड़ने की कोशिश की है, तुम्हारे अंदर वेस्ट की इमोर्टल पावर है, कोई तुम्हारी इमोर्टल पावर को तोड़ देगा तो तुम वो शक्तियाँ संभाल नहीं पाओगे, और कोई ये जानबूझ कर कर रहा है, और तुम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकते हैं। फिर अपने वो बॉडी पर सेलेस्टियल इमेज को ख़राब होने का निशान भी देखता है, फेक इमोर्टल स्पिरिट बनाता है मरमिन और उसको खत्म कर देता है। यहाँ पर मरमिन हेवन जाने से पहले उससे बोलता है कि तुम वेस्ट की चीज़ों को ठीक कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें चार बहुत ही पावरफुल वेपन को ढूंढना होगा। जब तुम उन वेपन को ढूंढ लोगे, तब तुम अपने अंदर की पावर को समझ सकोगे। और इतना कहकर वो तुरंत ही ऊपर चला जाता है। हेवन में जो है दिन में तारा टूटता है, अगर दिन में तारा टूटता है तो मतलब किसी हाई इमोर्टल की डेथ हो चुकी है। तो अब सबको लगता है कि युवान की डेथ हो चुकी है, तो सब बहुत दुखी होते हैं, और सब युवान की सोल की शांति के लिए, सोल की शांति के लिए सब इकट्ठा होते हैं। अब हम इधर मार्केट का सीन देखते हैं, जहाँ पर युवान जाया करता है, तभी अचानक से एक स्प्रिट आती है ना, और वो उसकी आंखों के सामने से खाना चुरा कर भाग जाती है। तो युवान वहाँ पर एक डॉग बैठा होता है जिन्हें आत्माएं दिखती हैं, तो वो उसका पीछा करने लगता है और उसके पीछे पीछे भागता है। तो हम देखते हैं कि वो फ्लावर स्प्रिट के सीक्रेट अड्डे तक पहुँच जाता है, और सबसे पहले खाना चुराने वाले पर अपने एक बॉक्स में कैद कर लेता है।
अब वहाँ पर जो फ्लावर लीडर होते हैं वो बचकर भागने लगते हैं, क्योंकि युवान का काम होता है स्प्रिट को पकड़ना, और ये जितने भी फ्लावर और सब चीज़ें होती हैं ये स्प्रिट होते हैं। अब लीडर जब बचकर भाग रहे होते हैं तो वो यहाँ पर वो यूमो को ढूंढ रहे होते हैं। इधर यानदान को भी पता चल जाता है कि सारे फ्लावर स्प्रिट अब खतरे में है, क्योंकि एक इंसान ने उन पर हमला कर दिया है। यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि जो ये सारे स्प्रिट होती है ना, इनके अंदर एक खास तरह का आकर्षण होता है, जिसके जरिए जो लोग स्प्रिट पकड़ते हैं उनको पता चल जाता है कि ये स्प्रिट है। बट यानदान जब से पृथ्वी पर आई थी तो उसके अंदर से वो आकर्षण वाला जो चीज़ थी ना वो छीन ली गई थी, तो वो एकदम मामूली इंसानों की तरह रह रही थी। इसी बात का फायदा उठाकर वो वहाँ से भागने लगती है। युवान स्प्रिट समझ कर उसका पीछा करने लगता है। यानदान को भागते देख युवान को वही सपने वाली लड़की याद आने लगती है। अब लीडर वहाँ आकर होस्टेज बनाकर युवान को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, तो युवान को रियलाइज़ होता है कि यानदान तो एक आम इंसान है, फिर भी वो लीडर के तरफ बढ़ता रहता है। तो यानदान को उसे धक्का देकर भागने के लिए कहती हैं। फ्लावर लीडर वहाँ से भाग जाता है और युवान जो है यानदान को अपने पास रोक लेता है और उसके क्वेश्चन पूछने लेता है, तुम एक इंसान होकर इन सब लोगों को छिपा रही हो। तो वो बोलती है कि एक झूठी कहानी बना देती है कि बचपन में अपने माता पिता को खोने के बाद एक फ्लावर स्प्रिट ने यहाँ पर ला कर रखा है, उनकी सेवा की, उनकी देखभाल की, तब वो उनके साथ रह रही है। लेकिन युवान को उस पर यकीन नहीं होता है, तो वो बोलता है कि मुझे उसके स्प्रिट तक के घर तक ले चलो। तो यानदान उसे पूरा जंगल घुमाती रहती, इधर सारी स्प्रिट भागती रहती हैं। अब यहाँ पर यानदान एक चाल चलती है, क्या करती है ना, अपनी पावर से जो है युवान को फंसाने की कोशिश करती है डाल से, और जैसे फंसाने की कोशिश करती है खुद ही फंस जाती है। अब यानदान के पैर में मोच आ गई होती है, तो वो कहती है मेरा पैर ठीक कर दो, लेकिन युवान कहता है नहीं, मेरे यहाँ सिखाया गया है कि जो भी अनमैरिड कपल होते हैं ना, कुंवारे लड़के लड़कियाँ, वो किसी का पैर नहीं छूते, उन्हें टच नहीं कर सकते। तो यानदान की जिद करने के बाद वो उसके पैर की मोच को ठीक कर देता है और वो खुद तेज चिल्लाती है। अब यानदान पहले के मुकाबले थोड़ा बहुत चल पाती है, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद थक जाती है। तो वो स्प्रिट को पकड़ने के चक्कर में युवान उसको अपनी पैगी बैग बना लेता है यानदान को, और पूरे जंगल में टहलता रहता है। रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, तब आसमान में पटाखे फूटते देख यानदान समझ जाती है कि सारे फ्लावर स्प्रिट सेफली भाग चुकी हैं। अब यानदान किसी तरह युवान से अपना पीछा छुड़ाने के लिए ने वहाँ पर नाटक करने लगती है, और जो उसके पास बॉटल होती है जिसमें सारी आत्माएँ कैद होती हैं वो युवान के हाथ से नीचे गिर जाता है और सारी आत्माएं बाहर आ जाती हैं। सारी आत्माएं जो है युवान पर अटैक करने लगती हैं, तो अब यानदान को युवान पर तरस आ जाता है। अपना एक लोटस पेटल देकर फाइट के बाद चोट आए तो वो अपने घाव को सही कर ले और वहाँ से भाग जाती है सारी स्प्रिट पावर को लेकर, सारी स्प्रिट वाली लड़कियों को लेकर। दूसरी साइड का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जो वो प्रिंसेस आई थी फॉक्स क्लैन की, उनके फादर जिस जगह के राजा थे उसको हटाकर उन्हीं के राज्य का एक दूसरे आदमी ने अटैक करके उनकी जगह को हासिल कर लिया था। तो यूमो जाता है उन्हें दोबारा हक दिलाने के लिए, कि वो उसके फादर एक झाड़ में ही तुरंत ही प्रिंसेस भाग कर जाती है और अपने फादर को बचाती हैं। लेकिन जिलिन भी जाता है उन्हें बचाने, तभी पता चलता है कि वो एक गोल घेरे में कैद हो चुकी हैं, जहाँ पर वो फॉक्स क्लैन के जो उसके फादर है ना वही उस गोल घेरे को तोड़ सकते हैं, क्योंकि उसके फादर खुद मरने की हालत में है। तो अब ये गोल घेरा कौन तोड़ेगा? जिलिन अपनी सारी पावर यूज करके जानता है कि अगर उसने अपनी सारी पावर यूज कर ली तो वो मर भी सकता है, बट वो मरता तो नहीं, वो घायल हो जाता है और बहुत कमज़ोर हो जाता है। बैरियर टूटने के साथ ही फॉक्स लीडर की जो अंदर एनर्जी होती है वापस आ जाती है, होश में आकर और जेलिन को मस्ती में कहते हैं कि तुम मेरी बेटी को इम्प्रेस करने के लिए सब कर रहे थे ना, तो तुमने मेरी जान बचा ली है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, मैं उसकी शादी ना यूमो से ही कराऊंगा। तो जेलिन बोलते हैं वो बात की बात है, और उन्हें गोद में उठाकर उन्हें एक सेफली जगह पर लेकर जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि यूमो ने यानदान को आधे ज़मीन पर गाड़ दिया होता है, क्योंकि उसने बिना बताए खुद जाकर सारे स्प्रिट की जान बचाई थी, बल्कि उसे यूमो को पहले बताना चाहिए था, तो दोनों साथ में काम करते। अब सज़ा तो मिलनी ही थी। यानदान काफ़ी देर सॉरी बोलती है, फिर वो उसे माफ़ कर देता है, लेकिन एक शर्त पर कि वो अपनी जान को कभी भी खतरे में नहीं डाले। कि लिन क्या होता है ना, प्रिंसेस को एक गिफ्ट दे रहा होता है जिसके अंदर बहुत सारी बटरफ्लाई कैद होती हैं, लेकिन प्रिंसेस वो लेने से मना कर देती है और झटका मारती है। जैसे ही वो नीचे गिरता है तो उसमें से सारी बटरफ्लाई उसके चारों तरफ मंडराने लगती है। यहाँ पर प्रिंसेस की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और जिलिन कभी, क्योंकि वो उसे देखकर ही खुश था। कहते हैं कि यानदान एक जगह पर बैठी होती है और सुबह ना वो
ओस की बूंदें कलेक्ट करने आई होती है, तभी उसकी नज़र सामने पड़ती है कि कुछ जो सैनिक होते हैं वो कुछ लड़कियों को किडनैप कर रहे होते हैं। तो यानदान वहाँ पर पहुँच जाती है। अब वो ये सारी लड़कियों को बचाने के लिए, तो वो कहती है कि वो भी उसके साथ चलना चाहती हैं। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है चलो मेरे साथ। जाने से पहले अपनी एक पेटल वहीं पर छोड़ जाती है, जिससे योमो को पता चल जाए कि वो खतरे में है और वो उसे आकर बचा ले। अपनी पावर यूज करती है तो जो वो उसका लीडर होता है ना, उसके पूरी शक्ल ही बिगाड़ देती है। जब वो आईने में देखता है तो खुद पे चिल्लाने लगता है कि उसके चेहरे को क्या हुआ, कि वो एक असल में मेढक प्रवृत्ति का आदमी है। तो समझ में आ गया था कि जो ये लीडर है उससे ज्यादा पावरफुल है। तो वो बचने का सोचती है भाग जाएगी, लेकिन जो लीडर होता है वो ताकतवर होने के साथ अपनी जीभ निकालता है, क्योंकि मेढक होता है तो उसकी जीभ ज्यादा तेज चलती है। जैसे ही पकड़ने चलता है वो खुद पे चिल्लाती है, तभी यूमो वहां पर आ जाता है और दोनों का लड़ाई होती है। और वहां पर वो उसे मेढक बना देता है और बोलता है कि तुम हर बार अपनी जान खतरे में डालती हो, और नाराज होकर वहां से चला जाता है। अब यानदान यूमो को मनाने की काफी कोशिश करती है और फिर मार्केट से उसके लिए केक ले जाती है। उसकी नजर पड़ती है कि दो बदमाश एक बूढ़ी औरत को बहुत परेशान कर रहे होते हैं, तो वो दोनों को एक दूसरे को थप्पड़ मारने की सजा दे देती है। तभी युवान को यानदान दिख जाती है, एक दायरे में उसको सील कर देता है। अब यानदान भी अपने अकल से काम लेती है, जिन दो आदमियों को अभी उसने सजा दी थी ना, उनको पैसे का लालच देती है और अपने पास बुलाती है। वो दोनों बदमाश जो कि इंसान है, जैसे ही सील पर कदम रखते हैं सील टूट जाती है और यानदान वहाँ से भाग जाती है। युवान अब उसे पकड़ने का ठान लिया होता है और उसे ढूंढने लगता है। यानदान एक फैन से अपने चेहरे को ढक लेती है, पर युवान उसको पहचान लेता है और उसको उसी बोतल में कैद कर लेता है जिस बोतल में सारी स्प्रिट कैद होती है। वो अंदर से चिल्लाने लगती है और बोलती है कि मुझे बाहर निकालो, उसे रिक्वेस्ट करती है। लेकिन युवान बोलता है इस बार वो उसे नहीं जाने देगा, और ज़्यादा चिल्लाओगी तो मैं तुम्हारी दवा बनाकर खुद खा जाऊँगा। अब पूरी रात योमो उसका इंतज़ार किया करता है, लेकिन वो आती नहीं। तो योमो यानदान के फेवरेट रेस्टोरेंट का पता चलता है कि यानदान यहाँ पर रात केक खरीदने आई थी। जिलेन और प्रिंसेस की लव स्टोरी थोड़ी ऊपर ही जा रही होती है, क्योंकि जब भी कोई मुसीबत होती है, खाने का टाइम होता है ना, तो वो जिलेन हर बार उसे एक बहुत ही रोमांटिक वे में आकर बचा लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं युवान यानदान को 3 बार सवाल करने की परमिशन देता है, और अगर वो एक भी सवाल एक्स्ट्रा पूछेगी तो वो उसे दवा बनाकर खा लेगा, उसकी धमकी देता है। तो यानदान उसे बदतमीज इंसान कहती है। अब योमो यानदान को ढूंढता रहता है, तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक सील बनाई गई थी, और जिससे उसे पता चल जाता है कि यानदान को स्प्रिट कैप्चर ने पकड़ लिया है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि युवान नहा रहा होता है, तो इस बात से बेखबर यानदान उसे कहती है कि उसे थोड़ी देर खुली हवा में सांस लेने की इजाज़त देते। तो युवान भी उसे परमिशन दे देता है कि ठीक है आ जाओ थोड़ी देर तुम सांस ले लो। लेकिन जैसे उसको नहाते हुए देखती है चिल्लाने लगती है और अपनी आँखें बंद कर लेती है, कहती क्या कर रहे हो बदतमीज इंसान। और युवान कपड़े पहनने के साथ और फिर से उसी में कैद कर देता है। अब यानदान हमेशा की तरह उसे बदतमीज कहीं के बुलाती रहती। रात के समय दो चोर वो बोतल जो है खोल देते हैं, जिससे यानदान खुशी खुशी बाहर आ जाती है और चोर उसे देखकर भाग जाते हैं। यानदान युवान के पास जाती है और सोते हुए देखकर कहती है तुमने मुझे बहुत तड़पाया है, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी। उसे थप्पड़ मारने जा रही होती, तभी युवान आंखें खोल कर उसका हाथ पकड़ लेता है। तो यानदान कहती है कि अरे मैं तो बस ना मच्छर मार रही थी, तुम्हारे ऊपर आ रहा था। तो यानदान उससे रिक्वेस्ट करती है प्लीज़ मुझे उस बोतल में ना दोबारा मत कैद करना। तो युवान कहता है ठीक है मैं तुम्हें नहीं कैद करूँगा। लेकिन वहाँ पर एक डील फाइनल होती है कि अब वो उसके साथ ही रहेगी। युवान कहता है कि मुझे ना ये सब लोगों से पूछ कर बताओगे कि स्प्रिट कहाँ पर है। तो वो कहती है ठीक है मैं ये तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। अब युवान होता है वो यानदान को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ पर 3 भाई आपस में बात कर रहे होते हैं कि एक ऐसी जगह खजाना है जहाँ पर आज तक जो भी गया है वो कभी लौट कर नहीं आया है। तो वो क्या करते हैं ना, उन तीनों भाइयों से दोस्ती कर लेते हैं और उस खजाने को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये खजाना है ये जो मरमिन ने बताया था कि 4 वेपन में से अगर वो 4 वेपन ढूंढ लेता है तो अपनी पावर को समझ पाएगा, तो यहाँ पर 1 वेपन है। सेलेस्टियल वेस्ट को ठीक कर सकता है कि जो कि घायल हो गया था। तो अब यहाँ पर यानदान बहुत डर रही होती है, देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे स्टैचू मिलते हैं और सभी लोग स्टैचू को देख कर आपस में ही अटैक करने लग जाते हैं। तो एक
लेडी आती है उस पर अटैक करती है, जो कि उसके अंदर एक स्प्रिट होती है। युवान उसके बस में होता है, इससे पहले वो उसके अंदर की स्प्रिट को निकाल देता है। और अब वो वहाँ की जो लीडर होती हैं वो वहाँ पर आ जाती हैं और अपनी जैसे चार पाँच और लीडर बना लेती है और युवान पर अटैक करने वाली होती है। तभी यांदान आती है और उसकी आंखों पर अपना हाथ रख देती है, बोलती है कि देखना मत, जिससे वो कॉन्सर्ट जो सारे होते गायब हो जाते हैं, सब अपनी अपनी जगह वापस आ जाते हैं। अब यांदान युवान को समझाती है कि अगर तुमने स्टैचू की आंखों में देखा तो तुम उसके वश में हो जाओगे, उसी के कहने पर चलोगे, क्योंकि वो खुद स्प्रिट है तो उस पर ये सब चीज़ों का असर नहीं हो रहा। अब हम देखते हैं कि यांदान और युवान एक ऐसी जगह पर आते हैं जो कि डेड एंड होता है और वहाँ पर एक कब्र होती है और वहाँ पर बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा होता है, गहरा गड्ढा हो जाता है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। दोनों रियलाइज करे उसके मुंह को इतना दबा देती है और ज़मीन से उठने की कोशिश करते चमगादड़ से बचाने के लिए अपनी तरफ घसीट लेता है। अब वो दोनों वापस आते हैं, योमो अलग अलग स्प्रिट कैचर के पास जाता है और सबसे लड़ाई करता है वो, बट यांदान नहीं मिलती है। जिस लास्ट स्प्रिट पकड़ने वाले से मिला था उससे भी पूछता है लेकिन नहीं पता चलता है। यांदान और युवान दोनों बाहर आते हैं जहाँ पर उनका सामना एक लड़की से होता है जो मानसिक रूप से सही नहीं होती है। तभी उसकी मेड आती है और बोलती है कि माफ़ करना, इनको जो है बहुत सारी आत्माएँ दिखती हैं जिसकी वजह से इन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। तो यांदान कहती है कि मैं उस स्प्रिट को भगा दूंगी। फिर वो दोनों भी उनके साथ चल देते हैं। युवान के हिसाब से भूत नहीं होते हैं, स्प्रिट्स होते हैं, मतलब आत्माएँ होती हैं। अब उसके फादर युवान से बोलते हैं कि अगर वो मेरी बेटी से शादी कर लेता है तो वो अपनी पूरी दौलत उसको दे देंगे। अब यहाँ पर युवान के पास कोई भी रास्ता नहीं बच रहा होता है कि अब वो क्या करे, कैसे इन लोगों से बचे। तब वो यांदान की तरफ इशारा करता है कि कुछ तो कहो। अब वो यांदान को कुछ समझ नहीं आता है पागल को, तो वो क्या करता है ना, युवान खुद खड़ा होता है और बोलता है कि यांदान उसकी पत्नी है और एक पत्नी के होते हुए वो उसकी शादी नहीं कर सकता, और दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, अब दोनों एक ही रूम में रुकते हैं। ये देखते हैं कि यहाँ पर यांदान को दरवाजे के बाहर से लाइट दिखती है, वो युवान को उठाने की कोशिश करती है लेकिन युवान अपने उन्हीं सपनों में होता है हेवन के, जहाँ पर वो यांदान से मिला था और यांदान को रोते हुए देख रहा होता है। यांदान उसको अपना आधा दिल वापस करने की बात कर रही होती है पर युवान डर जाता है, जैसे उठता है यांदान उसके सामने होती है। यांदान कहती है कि चलो चलो हम लोग भूत पकड़ते हैं, बाहर कोई रोशनी नजर आ रही है, और वो इतनी एक्साइटेड होती है कि भागती रहती है। उसे भागते हुए देख कर फिर से उसे सपना याद आता है। अब बाहर आकर उन्हें काले कपड़ों में ढका हुआ एक शख्स मिलता है, जिसके बाद युवान बहुत देर तक लड़ता है, मान यांदान को बचाने लगता है। तो लड़की थी ना उसके फादर नींद में चलते हुए दिखते हैं उन दोनों को, वो किसी से माफी मांगते हुए ना जमीन पर फ्लावर डाल रहे होते हैं। नेक्स्ट डे होता है जहाँ पर यांदान और युवान उस आदमी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे मैंने कल रात को देखा कि आप नींद में चल रहे थे। तो वो बताते हैं कि मेरी बेटी के अंदर एक बहुत ही पावरफुल स्प्रिट है जिसकी वजह से वो कुछ भी परफॉर्म कर सकती है। युवान जाता है ये पता करने कि ये लड़की जो दिखा रही है कि ये पागल है, क्या ये सच में पागल है, इसका पता करने के लिए जाता है। वहाँ पर जाते ही यांदान उसके ऊपर झाड़ू से मारने लगती है, तभी वो लड़की अपने आप को झाड़ू से बचाने के लिए तुरंत ही बगल में हट जाती है। अब यांदान को पता चल जाता है कि ये लड़की बहुत ही चालाक है, अपने आप को बचा लिया। यहाँ पर उसकी गलती पकड़ ली जाती है। उस लड़की से पूछने के बाद वो लड़की पूरी बातें बता देती है कि उसके पिता ने उसकी मॉम को मार दिया था, अगर वो ना समझ बनने का नाटक नहीं करेगी तो वो शायद उसे भी मार देंगे। आप और बेटी में से कौन झूठ बोल रहा है ये पता करने के लिए वो मेड सर्वेंट का पीछा करते हुए कुएं तक जाती है। जब मेड सर्वेंट मौका देकर यांदान को ही कुएं में धक्का दे देती है, तो हम देखते हैं कि जो वो पागल लड़की थी ना वो युवान के पास जाती है और उसके ऊपर अपनी पूरी पावर का यूज कर देती है, उसको मारने वाली होती है। तभी यांदान आकर उसे बचा लेती है। अब यांदान के अंदर खुद स्प्रिट पावर है और वो आसानी से कुएं के बाहर आ जाती है। अब उसे सारी असलियत पता चल जाती है कि जो ये पागल लड़की है इसने तो अपने ही फादर को कैद करके रखा है। पेंटिंग देखती है यांदान ने, जिसे सारा मैटर ही समझ में आ जाता है कि जो ये बेटी बनने का नाटक कर रही है असल में ये बेटी नहीं उसकी साली होती है उस आदमी की। खुद उस आदमी से प्यार करती थी और क्योंकि वो हासिल नहीं कर पाई थी तो अपनी बहन को खुद ही मार देती है। सब नाटक करने लगती हैं, रिपोर्ट खुल चुकी थी तब वो लड़की उस पर अटैक करने लगती है यांदान पर। आकर यांदान को बचा लेता है यहाँ पर, क्योंकि वो उसके फादर तो है नहीं, अब उसकी जीजा है, तो वो उस पर अटैक करने लगती है और तुरंत ही युवान वहाँ पर जाते हैं। जीजा और साली की बात सुनने के बाद युवान और यांदान को एक बात तो पता चल जाती है कि जो ये लड़की है इसी ने सारा रायता फैलाया हुआ था, और जो लोग उस अंदर गए थे ना उस पहाड़ी के अंदर, वहाँ
वहाँ पर उसने जानबूझकर वो लोगों को बुलाती थी ताकि उन लोगों को मारकर खजाने का लालच देकर उन लोग को मारकर उनकी उम्र छीन ले, जिसकी वजह से अभी तक वो इतनी यंग नज़र आ रही है। जीजा की भी आधी उम्र ले चुकी है, इसी वजह से वो अंकल जैसे दिखते हैं, इसलिए कर रही थी ताकि वो किसी और लड़की के पास जाने की हालत में ही न बचे, हमेशा उसी के पास रहें। तो पर हमला करने लगती हैं। इधर युवान और यानदान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करें, तो वो क्या करते हैं ना कि उस पर अटैक करता है, उस लड़की पर। तभी जैसे अटैक करता है तो उसका हाथ जो है उसको जीजू से छूट जाता है, तो उसके जीजू जो होते हैं वो भागने लगते हैं। भागते हुए देखकर वो लड़की अपने जीजू पर अटैक करती है और पीछे से युवान उस लड़की पर अटैक कर देता है, मतलब दोनों की वहीं पर डेथ डेथ हो जाती है। अब यानदान को वो एक जेड मिल जाता है जिससे एक क्रैक भर जाता है उसकी बॉडी पर जो होता है, और युवान को ये भी रियलाइज हो जाता है कि स्प्रिट ही सारे एविल नहीं होते, बल्कि कुछ इंसान भी अपनी दुष्टता के कारण इतने भयानक हो जाते हैं। युवान जो है यानदान को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है जो कि उसके लिए भी एक टॉर्चर ही है, बल्कि वही ब्रेसलेट होता है जो डिस्टेंस क्लियर करता है, मतलब कदमों का डिस्टेंस, जिसमें जो युवान कहेगा वही होगा। अब फिर से उसे वो सजा मिलने वाली थी, वो इसलिए करता है कि ताकि यानदान उसे दूर ना जा पाए। यानदान क्या करती है ना, रात में फिर से या युवान के पास जाती है, तभी उसकी नज़र उसके बॉडी पर लगे उस निशान पर पड़ती है जिससे भरने के लिए उसे वो चारों चीज़ें ढूंढनी थी, जिसमें से अभी एक ही मिली थी, तीन और ढूंढनी है। युवान की सोल तब तक पीछे आ जाती है और यानदान को डरा देती है, वो हैरान रह जाती है। फिर युवान उसको जेड दिखाकर उसे सब बता देता है कि जब से उसे वो चोट आई है तभी उसकी सोल कभी कभी रात में ऐसी बाहर आ जाती है, जेड है वो उसकी जान बचा सकता है और भी उसे तीन मैजिकल वेपन और चाहिए। युवान उसे अपनी जगह पर लाया हुआ होता है जहाँ पर सारे स्प्रिट कैचर होते हैं, तो वो बोलता है कि देखो अंदर जाने के बाद तुम्हें ये तो कोई नहीं पता कर पाएगा कि तुम एक स्प्रिट हो, तो जब तक मैं ना कहूँ अपने मुँह से आवाज़ मत निकालना कि तुम एक स्प्रिट हो। बोलती है ठीक है, यानदान को अंदर लेकर जाता है और सबसे इंट्रोड्यूस करता है कि ये उसकी मुंह बोली बहन है। एक लड़की जाती है यानदान के पास और बोलती है कि यहाँ के लड़कों से ना दूर रहना, ये सब ना रिलेशन के लिए तड़पे हुए हैं, अगर तुमने किसी से बात की तो ये सब प्यार का इजहार कर देंगे तुमसे। फिर रात में खाना बनाते समय वो लड़की जाती है यानदान के पास और उसके पास्ट के बारे में बताती है कि युवान बचपन से ही अनाथ था और यहाँ के मास्टर हैं उसे अपने साथ ले आए और उसे यहाँ की सब चीज़ें सिखाई, तब से उसका बेटे जैसे ख्याल रखते हैं। पर वो ये भी बताती है कि उसके फादर को एक स्प्रिट ने अपने प्यार के झांसे में फंसाया था और उसे मार दिया था, तब से युवान का एक ही संकल्प है कि वो सारी स्प्रिट को मार गिराएगा। अब हम देखते हैं कि वो लड़की चली जाती है, तब यहाँ पर यानदान खड़ी होती, तभी एक लड़का आता है और यानदान को कुछ खाने के लिए देता है और युवान ये सब दूर से देखा करता है, थोड़ी उसे जलन हो रही होती है तो वो ऐसे खांसता है और तुरंत ही यानदान वहाँ पर सामान रख देती है। अब युवान वहाँ पर जानबूझ कर जाता है और यानदान से कहता है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना तुम्हें इन्हें सब शॉर्ट आउट करना है, कि लड़कों से ना ज़रा दूरी रहो, नज़दीकें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो यानदान बड़ी चलाकी से कहती है कि युवान अगर तुम मुझे इतनी ही चेतावनी दे रहे हो तो ये तुमने जो ब्रेसलेट पहना रखा है डिस्टेंस वाला तुमने मुझे क्यों पहनाया। अब युवान भी चुप हो जाता है। यानदान और युवान दोनों साथ में खाना खाने बैठते हैं, तभी वहाँ पर मछली रखी हुई होती है। बोलती है अपनी स्टोरी बताते हुए यानदान की, मेरा एक दोस्त फिश है इसलिए उसने फिश खाना छोड़ दिया है। तभी वही लड़का दोबारा आता है क्योंकि उसने ही यानदान के लिए वो फिश बनाई होती है, लेकिन वो ये समझ जाता है कि इसे फिश नहीं पसंद है, इसे क्रैब्स पसंद है। बोलता है कि ठीक है कल मेरे साथ क्रैब्स पकड़ने के लिए चलोगे, तो यानदान कुछ बोलती है उससे पहले युवान ही मना कर देता है कि नहीं ये नहीं जाएगी। बहुत तेज बारिश होने लगती है और बुक्स भीग रही होती है, तब यानदान बुक्स को बचाने के लिए मैं तुरंत ही अपनी पावर्स यूज करने जा रही होती हूँ, तभी युवान उसे रोककर पीछे खींच लेता है और ये कहकर कि मैं हर काम ध्यान से करना है ना, फिर अभी तो उसे बुक सुखाना है ना, तो वो नहीं जा सकती तुम्हारे साथ क्राफ्ट पकड़ने, किसी और टाइम चलेगी। इन बुक्स सुखाते टाइम उसे वो देखती है कि उसकी वो पिन भी, जो हेयर पिन जो उसने स्प्रिट से बचते टाइम वहाँ पर पेड़ पे लगा दी थी, वो उसे मिल जाती है। वो बोलती है कि पिन चोर तूने मेरी पिन चुराई। युवान बताता है कि ये तो मेरे मास्टर ने लिया था और उन्होंने बताया था कि एक बहुत ही बदमाश और चतुर स्प्रिट ने उसे चकमा देकर भाग कर बचाया। तब यहाँ पर यानदान बहुत तेज चिल्लाने लगती है, तुम्हारा वो मास्टर बुढ़ा कहीं का मेरा पीछा कर रहा था, बुढ़ा कहीं का मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, और तुम्हें आइडिया भी नहीं उसने मुझे कितना तड़पाया था। अब उसे फिर से उसे पनिशमेंट मिल जाती है क्योंकि वो इतना ज़्यादा ख़राब बोली थी, तो अब उसकी जबानी बंद कर देता है युवान। अब वो बेचारी ऐसे ही काम क्या करती है, फिर उसकी जो वो पिन होती है उसके बालों में लगा देता है और वो काम करते करते
यानदान को स्लीपिंग पिल मिल जाती है और अपना वो पावर यूज करके ये युवान को वहीं पर सुला देती है। आदतों से बाज तो आने वाली थी नहीं, तो वो क्या करती, पेंटिंग उठाती है और उसके मुंह पर पेंट जैसे ही करने चलती है। युवान अपना नाटक ख़त्म करता है क्योंकि उसे बेहोश करना इतना भी आसान नहीं था, और वो उस पर ही स्लीपिंग पिल का यूज कर देता है और यानदान खड़े खड़े वहीं पर सो जाती है। थोड़ी देर बाद उन दोनों को बॉनफायर पार्टी के लिए बुलाने, लेकिन जैसे ही वो यानदान को देखती है उसकी हंसी ही नहीं रुकती और खुद तेज से हंसने लगती है। यानदान युवान से कहती है कि प्लीज मेरी आवाज़ वापस कर दो, प्लीज मेरी आवाज़ वापस कर दो। युवान बोलता है ठीक है और उसकी आवाज़ वापस कर देता है, क्योंकि वो लड़की उस पर हंस रही थी। अब वो मिरर उठाती है और जैसे ही अपना चेहरा उसमें देखती है खुद तेज चिल्लाने लगती है, बदतमीज इंसान, बदतमीज इंसान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब बॉनफायर पार्टी में सभी लोग डरावनी कहानियों की बात कर रहे होते हैं। यानदान गेम खेलने के लिए कहती है और सभी कहानी सुनते वक्त अपनी आँखें बंद रखेंगे, जिससे सबसे पहले आँख खोली वो आउट हो जाएगा। फिर यानदान से डरावनी कहानी जैसे ही स्टार्ट करती वैसे ही हार जाती है, क्योंकि युवा कहानी ऑलरेडी आती थी। यानदान भी कहाँ चुप रहने वाले थे, बोलती अगर मेरी कहानी इतनी बोरिंग है तो तुम कोई कहानी सुना दो। तो युवान उसकी बात मान लेता है और पूरे कॉन्फिडेंस में चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, और बहुत ही भयानक तरीके से यानदान उसके पास जाकर उसके कान में बहुत भयानक तरीके से कहानी सुनाने लगती है। तो यानदान डर जाती है, अपना मुँह पीछे करती है और इसी टाइम उन दोनों की किस हो जाती है, और दोनों ने जो सोचा भी नहीं था दूर दूर तक, और अब दोनों की आंखें ऐसी बड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि दोनों ने नहीं सोचा था कि ऐसे किस हो जाएगी। यानदान डर के मारे अपनी आंखें खोल लेती है, जैसे आंखें खोलती है तो सब अपनी आंखें खोल देते हैं। सब पूछते क्या हुआ, तुम इतना डरी हुई क्यों हो। अब दोनों एक दूसरे को, युवान और यानदान, देखा करते हैं, कहते हैं क्या बोले क्या बोले। यानदान बोलती है तुम पागल हो, तुमने क्या किया है अभी। तो युवान कहता है डर गई डर गई डर गई, मतलब वो पूरी बात छिपा लेता है। लेकिन यानदान वहाँ से गुस्से के मारे भागकर चली जाती है और उसकी वाइन भी उठाकर लेकर जाने वाली होती है। तो इस पर युवान बोलता है तुम मेरी वाइन लेकर जा रही हो, बोलती बदतमीज कहीं के, और उसकी वाइन वहीं पर रख कर चली जाती है गुस्से में। उसे बस देखते रहते हैं और हंसते रहते हैं क्योंकि सबको लगता है कि ये तो चुलबुली है। हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर यूमो खड़ा होता है, तो वुल्फ टाइप के लोग वहाँ पर आते हैं और बताते हैं कि कई सारी एनिमल स्पिरिट्स को लिंगसाओ के लोगों ने पकड़ लिया है, तो उन्हें बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो यूमो तुरंत ही उन्हें कराने के लिए लिंगसाओ जाता है और वहाँ पर आश्वान से टकरा जाता है। यूमो सबसे लड़ाई करता है, लेकिन आश्वान उसी निकोला हथियार होता है, वो फिर से यूमो पर उस पर हमला कर देता है उसी हथियार से, जिससे यूमो के पास बचने का कोई तरीका नहीं होता और वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। वो आश्वान से कहता है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, बट वो था कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, और बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा जब तक मैं तुम्हें मार ना दूँ। अब यूमो अपनी फुल पावर यूज करता है और वहां पर सबको मार कर जंगल भाग जाता है। अब यूमो एक जगह पर छुपा बैठा होता है। आश्वान क्या करता है, कहता है कि उसे ढूंढो यहीं पर। अब आश्वान धीरे धीरे बढ़ता है और यूमो वहां पर छिपा होता है। तभी वहां पर जावलान आती है और अपनी पावर से उसे थोड़ी देर के लिए इनविजिबल कर देती है। अब आश्वान तो उसे ढूंढ नहीं पाता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि युवान होता है, उसने यानदान को डिस्टेंस कीपिंग बैंगल पहना रखा होता है, तो उसको थोड़ी देर के लिए रोक देता है। लेकिन वो जानता है कि यानदान अपनी आदतों से बाज तो आने वाली नहीं है और उसकी बदमाशी पर ना उसे पूरा शक है, इसीलिए वो मेन दरवाजे पर सिर्फ यानदान के लिए बैरियर बना देता है और वहां से चला जाता है। और यानदान इतनी चला कि वो कैसे वहां से ना निकल सकती। अब वो जो युवान का सीनियर होता है उससे मीठी मीठी बातें करती है और उसे वो अपने जाल में फंसा रही होती है क्योंकि उसे वहां से निकलना होता है। सीनियर से कहकर वो बैरियर तुड़वा देती है और सीनियर मौके का फायदा उठाकर अपनी फीलिंग शेयर कर देते हैं कि मुझे तुम पसंद। यानदान तो उसकी बातों से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होती क्योंकि वो किस किस को अपना दिल देगी और वहाँ पर, लेकिन वो उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। हाँ मैं तुम्हारे लाइक को एक्सेप्ट कर सकती हूँ, पहले हमारी जन्म कुंडली तो मिल जाए। यहाँ पर जो उसके सीनियर होते हैं वो तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। वहाँ पर टेम्पल होता है, स्पिरिट टेम्पल, और वहाँ पर खूब सारी बेल लगी होती हैं और बेल के बजने पर जो एनिमल स्पिरिट होती है ना, वो क्योंकि उसी मंदिर में कैद होती हैं, तो जब वो घंटी बजती रहती है तो एनिमल की जो स्पिरिट पावर होती है वो बहुत ही वीक जाती है, जिससे वो अपनी ताकत का यूज नहीं कर पाते। यहाँ पर यानदान एक चाल चलती है सीनियर के साथ और कहती है ना ये जो घंटियाँ है ना ये इतना बजती है कि मैं आराम नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता, तो क्या ये तुम बेल थोड़ी देर के लिए बंद कर दो ताकि वो जितनी भी एनिमल स्पिरिट है उनको बचा सके। अब सीनियर भी उसकी बातों को मान जाते हैं और थोड़ी देर के लिए घंटियाँ बंद कर देते हैं।
खानदान जाती है टेंपल के अंदर और जितनी भी एनिमल स्पिरिट होते हैं उनको बचाने के लिए कहती है, जो खुद उसको बचाने आए थे और बेचारे फंस गए। अब वो अपनी पावर का यूज करके जैसे उन्हें बचाने चलती है बेल बज जाती है और वहाँ से तीरों की बौछार शुरू हो जाती है। अब वो क्या करे, तभी वहाँ पर युवान आ जाता है हमेशा की तरह उसको बचाने और वो उसे वहाँ पर तीरों से किसी तरह बचाता है। पान थोड़ा सा उस पर चिल्लाता है और उसके बाद बोलता है कि तुम ऐसे तो मानोगे नहीं। फिर वो उसका ब्रेसलेट फिर से एक्टिव कर देता है जो 15 डिस्टेंस का होता है, उसके आगे वो जा नहीं पाएगी। यहाँ पर यानदान ने युवान को बता दिया होता है कि सीनियर ने उससे अपनी फीलिंग शेयर कर दी है, मौका छोड़ सकती थी युवान के दिल पर तीर चलाने का। होते ना वो अपनी जन्म कुंडली यानदान की जन्म कुंडली से मिलाने के लिए आते हैं तो वहाँ पर युवान पहले ही खड़ा होता है। साफ साफ मना कर देता है कि तुम यानदान से शादी नहीं कर सकते और यहाँ से अभी के अभी चले जाओ। युवान उसके कान में जाकर कहता है कि तुमने वो जो बिल बंद करी थी ना, तुमने ये बहुत ही बड़ी गलती की, अगर मैंने किसी को बता दिया तो तुम ऐसे ही फंस जाओगे। सीनियर होते हो उसको इतना बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है अंदर, तो वो क्या करता है ना युवान से बदला लेने के लिए अंदर जा रहा होता है। तभी उसकी नजर वो एक कैचर बॉटल होती है ना उस पर पड़ती है जिसमें थोड़ी बहुत स्मेल ना यानदान की रह गई थी लोटस स्प्रिट की, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि यानदान ही स्प्रिट है। तो वो तुरंत ही जाकर जो वहाँ के लीडर होते हैं ये सारी बात बता देता है वो जो सीनियर होता है। अब सारे लोगों को बुलाया जाता है तो अब यानदान के भी पसीने छूट रहे होते हैं कि अब तो वो पकड़ी गई, मतलब ये लोग उसे हमेशा के लिए बॉटल में कैद कर देंगे। यानदान ऊपर अपने पसीने से पोंछ रही होती है और युवान को सामने बुलाया जाता है तो लीडर उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन यहाँ पर यानदान पूरी तरीके से गलत होती है और युवान क्या करता है ना सारा का सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि वो स्प्रिट बहुत ही अच्छी थी इसलिए मैंने उसे जाने दिया। लीडर को इतना गुस्सा आता है कि मैंने तुम्हें किस लिए बड़ा किया और तुम अपना ध्यान किस तरफ लगा रहे हो, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी और अब तुम नेक्स्ट लीडर बनने के लायक भी नहीं हो, तुम्हें इसे बर्खास्त किया जाता है। अब इसे उसे वहाँ पर 10 कोड़े मारे जाते हैं और अब घुटनों के बल बैठ कर वो अपने सजा भुगत रहा होता है। इतने ज़्यादा सजा मिल रही होती है तो वो यानदान को भी कैसे बर्दाश्त होता अपने लिए सजा खाते हुए देखकर, तो वो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो तुरंत ही लीडर के पास जाती है और बोलती है कि इन्हें आप छोड़ दीजिए, आज के बाद ये ऐसी गलती नहीं करेंगे। युवान तुरंत ही अपनी पावर से उसका जो डिस्टेंस कीपिंग ब्रेसलेट होता है उसकी दूरी ख़त्म कर देता है और गुस्से में कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, अब वापस लौट कर मत आना। वो बाहर निकलती है तभी उसे दो लड़के मिलते हैं जिसे युवान ने केक लेने के लिए भेजा था हमारी यानदान के लिए। जब उसे पता चलता है तो वो फिर से गुस्से में अंदर आ जाती है युवान को बचाने के लिए। इधर हम युवान को देखते हैं जो अपने घुटनों के बल बैठकर अपने एल्डर्स के सामने अपनी माफ़ी मांगने के लिए वहाँ पनिशमेंट भुगत रहा था, तभी उसके अंदर की जो ब्लैक स्प्रिट होती है वो बाहर निकल कर आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो कौन है। यानदान सीनियर को अपने प्यार के झांसे में थोड़ा बहुत तो फंसा चुकी थी तो वो क्या करती है ना उसको ड्रिंक खूब ज़्यादा पिलाती है, सीनियर थोड़ा बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद वो स्प्रिट जहाँ पर सारी स्प्रिट कैद थी वहाँ की चाबी लेकर वो जाती है और सारे जितनी भी स्प्रिट होती है ना उनको छुड़ा लेती है। छुड़ाने के बाद कहती है कि एक बच्चे से कि तुम जाकर यूमो को बताओ कि मैं यहाँ पर सही सलामत हूँ, यहाँ से बचने के लिए तुम्हें यहाँ के लोगों से बस नकली नाटक करना होगा कि तुम यहाँ पर लड़ रहे हो लेकिन यहाँ से तुम भाग जाना। इतना कहकर वो युवान के पास जाती है और युवान से कहती है कि मैंने एक प्लान बनाया है, अब तुम बाहर चलो जितने भी स्प्रिट कैचर हैं उन बस लड़ने का बहाना करो लेकिन वो सब भाग जाएंगे, तुम लीडर की नज़रों में फिर से ऊँचे बढ़ जाओगे और नेक्स्ट लीडर बनने के लायक बन जाओगे। तो वो बाहर आता है जहाँ पर वो नज़ारा देखकर हैरानी रह जाता है और खुद यानदान भी कि जितनी भी स्प्रिट कैचर होती है वो रियल में ही अपना बदला लेने लगती हैं। यानदान ये देखकर हैरान रह जाती है कि मैंने क्या कहा था और ये सब क्या करने लगे हैं। तो वो देखती है कि जो वो लड़की थी वहाँ पर उस पर वो स्प्रिट हमला करने वाली होती तो यानदान आकर उसे बचा लेती है, लेकिन एक स्प्रिट खुद यानदान को ही अपने कब्जे में ले लेती है। मुझे यहाँ से नहीं जाने दिया तो यानदान को मार दूंगा। इसके बाद युवान क्या कहता है ना अपना 15 डिस्टेंस वाला ब्रेसलेट फिर से एक्टिव कर देता है और यानदान को अपनी तरफ घसीट लेता है। इसके बाद उस बॉटल में युवान फिर से सारी स्प्रिट को कैद कर लेता है। ये देखकर तो लीडर का खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो उसे माफ कर देते हैं और नेक्स्ट लीडर बनने के लिए घोषित भी कर देते हैं। यहाँ पर यानदान भी जाती है लीडर के सामने और बोलती है कि वो उसे माफ़ कर दे युवान को, क्योंकि जो उसकी बॉटल थी ना वो जानने के लिए उत्सुक थी कि उसमें क्या है, तो उसने गलती से वो बॉटल खोल दिया था, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। तो लीडर बोलते हैं ठीक है और उसे आंख मारती है युवान को कि सब कुछ ठीक हो गया। अब युवान रूम में आता है, उसके पास जो उसकी हेयर पिन होती है उसके बालों में लगाता है, बालों में हेयर पिन लगा रहा होता है युवान, तो वो बोलती है कि तुम मेरी इतनी देखभाल कर रहे हो, कहीं तुम्हें मुझसे तो प्यार नहीं हो गया, बट तुम तो चीप बनने वाले हो और तुम्हें इंटरेस्ट भी नहीं है, मतलब कि कुछ तो पंगा है, बताओ ना तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। तो बोलता है सपने में भी नहीं, बोलती है हाँ चलो कोई बात नहीं। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है तो यहाँ पर युवान फिर से वो 15 डिस्टेंस वाला ब्रेसलेट
चॉकलेट का यूज करता है और वो फिर से आकर पीछे गिर जाती है। जो केक मंगाया था ना वो उसको खाने के लिए रखे हुए होते हैं, तो वो समझ जाती है कि ये केक के खाने के लिए कह रहा है, तो वो स्माइल करने लगती है। इधर हम देखते हैं कि यूमो बहुत ही ज्यादा घायल होता है, तो जौलन होती है ना वो उसके ऊपर अपनी पूरी पावर का यूज करती है, और उसके ऊपर एक ऐसी स्पिरिट पावर होती है जो अगर किसी के ऊपर यूज की जाए तो कोई भी हथियार उसके ऊपर काम नहीं करेगा, मतलब वो उसके ऊपर कोई भी हथियार यूज करोगे वो घायल नहीं हो सकता। यूमो बहुत मना करता है लेकिन वो मानती ही नहीं और उसके ऊपर यूज कर देती है। युवान क्या कहता है ना, यानदान के लिए सूप बनाकर लाया होता है और उसे बड़े ही प्यार से पिला रहा होता है, लेकिन ये सब लीडर देख लेते हैं। और यहाँ पर भी सेम रूल होता है जैसे हेवन में होता है कि गॉड प्रेम नहीं कर सकते, गॉड क्या हेवन में कोई भी प्रेम नहीं कर सकता एक दूसरे से, और यहाँ पर चीफ प्रेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उनकी जितनी भी सक्सेस होगी उसमें रुकावट बनेगा। अब नेक्स्ट डे युवान के चीफ बनने का दिन आ जाता है, लीडर बनने का, तो वहाँ पर सारे लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन जो लीडर होते हैं वो उसे मैजिकल बैंगल पहनाते हैं जिसके जरिए वो किसी से प्यार नहीं कर पाएगा और प्यार करने जैसी घोर अपराध को वो ब्रेसलेट करने से रोकेगा। ये देखकर तो यानदानी बातें याद करते हैं कि जितने भी अपने पल याद किए थे वो मन ही मन उसे रियलाइज होता है कि अब से वो चीफ है तो वो प्यार नहीं करेगा और फीलिंग नाम की चीज़ उसकी डिक्शनरी से गायब हो चुकी है। वो भी वहाँ उसी टेम्पल आ जाता है और वो सीनियर से पूछता है कि यानदान कहाँ पर है, वो उसे बता दे। अब युवान के साथ वो इविल स्पिरिट को पकड़ने के लिए गई है। अब यूमो कैपिटल में जाकर उस होटल में रुकता है जिसमें सभी वो लोग रुके हैं जो स्पिरिट को पकड़ने आए हैं। कुछ देर बाद यूमो के हाथ पर वो शील्ड ग्लो करने लगती है क्योंकि यानदान युवान के साथ उसी होटल में होती है और वो उसे टकरा भी जाती है। यानदान यूमो को देखकर खुशी से उछलने लगती है और उसे पकड़ पकड़ कर बहुत ज़्यादा तेज चिल्लाने लगती है। यानदान वहाँ पर कहने लगती है यूमो से, इस इंसान ने मुझे बहुत सताया है, मुझे बहुत तड़पाया है। अब यूमो को गुस्सा आ जाता है, वो युवान से लड़ने लगता है, दोनों एक दूसरे से कुछ देर लड़ते हैं। उसके बाद यानदान कहती है शांत हो जाओ, इतना भी नहीं सताया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं उसी लड़की को जो वो फ्लावर स्पिरिट होती है ना जो यानदान से मिली थी, और यहाँ पर प्रिंस पेई और उसकी शादी हो गई होती है, लेकिन यहाँ पर उन दोनों के बीच कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि प्यार तो है बट वो दोनों एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं ना एक दूसरे के पास आ रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब प्रिंस पे उससे एक और चांस मांगता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, और दूसरी तरफ यानदान मार्केट में वाइन लेने आई हुई होती है, लेकिन तभी वहाँ पर लिंगवेन मिल जाती है, उसे अपनी पावर से बेहोश कर देती है और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाती है। उसके बाद उसे हवा में लटका देती है और उसके अंदर पॉइजन छोड़कर उसके जितनी भी ह्यूमन फॉर्म में जो तब्दील हुई थी वो उसे पूरी तरीके से बर्बाद करके उसे फ्लावर स्पिरिट में बदल देती है। प्रिंस पे को देखते हैं उस लड़की को अपनी वाइफ को अंदर लेकर आए हुए होते हैं और उसे वो एक लैंप दिखाते हैं जो उनके प्यार की निशानी है। बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करते करते उसको किस कर लेते हैं। यहाँ पर वो भी थोड़ा होश खो देती है, लेकिन जैसे ही उसे होश आता है वो उसे धक्का दे देती है और बोलती है इस बार मैं तुम्हारे झांसे में नहीं फंसूंगी चाहे जो हो जाए। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो लिंगवेन होती है ना वो प्रिंस पेई के साथ में रह रही है, वो क्यों रह रही है, किस लिए रह रही है, और वो उसके लिए चाय भी बना रही है। हम इधर देखते हैं कि जो प्रिंस पेई होते हैं वो जाते हैं फ्लावर स्प्रिट के पास और उसे अपनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो स्प्रिट कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें सिर्फ पावर चाहिए, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी कि तुम पावर के लिए किस हद तक जा सकते हो, अगर मुझे पता होता ना तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आती, ना तुमसे प्यार करती। तो इस पर प्रिंस पेई कहते हैं कि देखो तुम मेरे साथ आ जाओ वरना बहुत पछताओगे। उसके बाद वो उसे एक ड्रिंक देते हैं और कहते हैं तुम इसे पी लो, और ये उसे एक ड्रेस भी दिखाते हैं और बोलते हैं कि तुम ये ड्रेस पहनकर मेरे सामने नाटक करो, तो बोलती मैं नाटक नहीं कर सकती। वो भी बिल्कुल जो मेरे सामने इंसान खड़ा है वो खुद इतना बड़ा नाटकबाज है, मैं नाटक करने के उसमें नहीं हूँ। फिर बोलते ड्रिंक पी लो, उसे पता होता है कि इस ड्रिंक में ज़रूर कुछ ना कुछ है, लेकिन तब भी वो बोलती है कि लास्ट टाइम बस तुम्हारे लिए ड्रिंक पी रही हूँ। उसके बाद वो ड्रिंक पी लेती है और तुरंत ही जैसे ही ड्रिंक पीती है उस तो उसकी स्पिरिट बाहर आ जाती है और वो गुस्से में प्रिंस पेई से कहती है कि मुझे अगर पता होता है ना कि तुम इतने ज़्यादा दुष्ट निकलोगे तो मैं वो तुम्हें पिल कभी नहीं देती, और वो उस पर तुरंत ही हमला करने वाली होती है। जैसे हमला करने वाली होती है लिंगवेन वहाँ पर आ जाती है और अपनी पावर यूज करके वो प्रिंस पेई को बचा लेती है। इधर देखते हैं यहाँ पर यूमो यानदान के उस जो वो लोटस में तब्दील हो गई थी, तो वो वहाँ पर जाता है और अपनी पावर यूज करता है, लेकिन क्योंकि उसकी स्पिरिट पावर बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई थी तो वो ह्यूमन फॉर्म ले ही नहीं पा रही थी। इधर हम देखते हैं कि फ्लावर स्पिरिट को जितने भी स्पिरिट कैचर होते हैं वो पूरी तरीके से उसके अंदर की पावर अपनी तरफ खींच रहे होते हैं,
प्रिंस पेई को सामने खड़ा देखकर वो बोलती कि काश मैं तुमसे उस दिन अपनी रियल फॉर्म में मिली ही नहीं होती। जब मैं उस दिन बहुत ही घायल थी और फ्लावर में बदल गई थी तब तुम मुझे अपने घर ले आए थे। उसके बाद एक दिन तुम मार्केट में थे और तुम्हारा अम्ब्रेला और तुम्हारी पॉकेट चोरी हो गई थी तो मैं तुम्हें देने आई थी। और न जाने कितने प्यार भरे मोमेंट्स मैंने तुम्हारे साथ गुजारे हैं, काश वो मेरी ज़िंदगी में हुए ही नहीं होते या फिर मैं उन्हें फिर से तुम्हारे साथ प्यार से गुजार सकती। ऐसा वो कहती है तो प्रिंस पे को अंदर ही अंदर बड़ा दुख हो रहा होता है लेकिन वो चेहरे पर आने ही नहीं दे रहे थे अपने। और वो बोलते हैं कि भले ही मैंने तुम्हारे साथ बहुत प्यार भरे मोमेंट्स गुजारे हैं बट तुमने बहुत ही घोर क्राइम किया है, उसके लिए तुम्हें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। और इतना कहकर वो वहाँ से ही चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि यानदान जब वो अपने दोस्त को ऐसे मरते हुए देखती है तो बहुत ही ज़्यादा रोती है और कहती है कि वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि वो जितनी भी स्प्रिट पावर वाली लड़कियाँ हैं उनको मार कर प्रिंस पे के लिए दवा बना रही थी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो किसी लड़की को हार्म कर सके या कष्ट पहुंचा सके। इसके ऊपर वो बहुत ही गलत इल्ज़ाम लगा है। मान और योमो जाते हैं प्रिंस पेई के पास और उसे फ्लावर स्प्रिट के बारे में बताते हैं कि मुझे नहीं लगता कि उसने ये सब किया है क्योंकि वो उसके पास कोई रीज़न नहीं है। और उसने मरने से पहले कहा था कि मैं मर रही हूँ लेकिन मैं आसमान में तुम्हारा इंतजार करूँगी। आखिर इन शब्द का मीनिंग क्या है? तो वो इसका पता लगाने के लिए वो उसके रूम में जाते हैं और उसके रूम का नाम ही आसमान होता है। उसके बाद जब उसके रूम के जो नेम प्लेट होती है उसको उठाता है तो वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है। वो लोग उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करते हैं, पावर यूज़ करने के बाद भी वो बॉक्स नहीं खुलता है। इसे योमो बैठता है और युवान भी बैठा होता है, साथ में प्रिंस पेई बैठा होता है, जहाँ पर वो लोग वाइन शेयर कर रहे होते हैं। वाइन शेयर करते करते युवान का हाथ प्रिंस पेई से टच हो जाता है और उससे पता चल जाता है कि जो पिल उसने दी थी वो पिल तो खुद प्रिंस पेई के अंदर है, प्रिंस पेई के अंदर है। तो उसे भला किसी स्प्रिट की क्यों ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए जब उसे किसी ना किसी ने फंसाया है। लेकिन वो अपनी पिल भी उसके अंदर से नहीं ले सकता था क्योंकि उसने जेडे पेंडेंट पहन रखा होता है जो उसे किसी भी स्पिरिट से दूर रखता है। तो अब ना चाहकर भी वो अपनी पिल निकाल नहीं पा रहा होता है। हाँ, यानदान ने कहती है कि जो वो पिल थी ना वो अपने की सबसे किसी से खूब सारा प्यार करे उसी को वो पिल देता है। तो यानदान को लगता है कि जरूर ये फ्लावर स्पिरिट से प्यार करता था योमो। तो वो कहते हैं मुझे बहुत दुख है कि तुम अपने प्यार से बिछड़ गए हो। तो योमो भी इस बात पर ध्यान ज़्यादा देता नहीं है लेकिन यानदान को पूरा शक हो गया था कि ये फ्लावर स्पिरिट से प्यार करता था। योमो को वो जेडे पेंडेंट तो लेना ही था उससे। तो वहाँ पर फिर से नाटक चल रहा होता है। तो इस पर प्रिंस पेई कहते हैं कि काश यहाँ पर मेरी वाइफ होती तो मैं उसके साथ ये देखता। इसके बाद मौके का फ़ायदा उठाकर योमो कहता है कि मैं जो इतनी खोजबीन कर रहा हूँ लेकिन सैनिक मुझे इधर उधर जाने नहीं देते, अगर आप मुझे अपना जेड पेंडेंट दे देंगे तो मैं इधर उधर जा सकता हूँ। तो उस पर प्रिंस पे मना भी नहीं करते, अपना जेड पेंडेंट उसे दे देते हैं। यहाँ पर अब तो उसे जेड पेंडेंट मिल जाता है। इसके बाद युवान वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर बस वाइन पियो, मौज मस्ती करो, लेकिन मैं जा रहा हूँ ये सब ढूंढने और अपनी जूनियर के साथ जूनियर को बचाने। तो जूनियर का नाम सुनकर, क्योंकि जूनियर तो यानदान थी, उसको गुस्सा आ जाता है। अब योमो और युवान इसी बात पर खूब लड़ते हैं। प्रिंस पेई बोलते हैं कि देखो लड़कियों से कोई भी नहीं बच सकता, मतलब ये दोनों भी इतने बड़े स्पिरिट कैचर होकर भी लड़कियों के लिए आपस में लड़ रहे हैं। दोनों जब इतना लड़ रहे होते हैं तो लड़ते लड़ते पर्दे के पीछे चले जाते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों तो नाटक कर रहे होते हैं। और वहाँ पर वो जो जेड पेंडेंट था ना, अभी वो उसका रियल जेड पेंडेंट नहीं था बल्कि वो तो बस जो राजा राजा लोग यूज करते थे वो था और जेड पेटेंट अभी भी उसकी बॉडी पर था। तो बोलते हैं मुझे वो जेड पेटेंट चाहिए। तो युवान बोलता है ठीक है मिल जाएगा। और दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं कि जब तक हम लोग इस केस को फाइनल नहीं करते हैं यानदान किसके पास रहेगी। और आर्ग्यूमेंट में हमेशा की तरह युवान जीत जाता है। युवान बोलता है ठीक है। इसके बाद वो दोनों केस को देखने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि शुरुआत में जब प्रिंस पे प्यार में थे तो हर बार जो फ्लावर स्प्रिट थे उसके बर्थडे पर रूम डेकोरेट करते थे लेकिन कुछ सालों से ये सब बंद हो गया था। अब युवान बाहर निकलता है जहाँ पर एक मेट को देखता है जो एक सूखा पौधा लेकर एक फेंकने जाया करती है। तो युवान पूछता है कि ये पौधा, तब वो जो मेट होती है वो बताती है कि प्रिंस पेई और जो उनके वाइफ थे इससे वो उनके प्यार की निशानी थी और वो दोनों इस पौधे की हमेशा देखभाल करते थे। लेकिन अब जब वही नहीं है तो इस पौधे की कोई देखभाल नहीं करता और ये पेड़ सूख गया है, इसीलिए प्रिंस पेई ने कहा है कि इसे फेंक दो। तब युवान को पूरा शक हो जाता है कि ये जो प्रिंस पेई थे जानबूझकर प्यार का नाटक कर रहा था
उसको फंसाने के लिए भी अचानक से वो लिंगवेन से टकरा जाता है। अब लिंगवेन की यात्रा पूरी तरीके से अच्छी है और युवान को अपनी ग्रेवन वाली कोई भी याद अब उसके दिमाग में नहीं है, तो आगे क्या भयानक होगा। युवान जो है लिंगवेन के रास्ते में खड़ा होता है तो सैनिक बोलता है कि रास्ते से हट जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि तुम कंकुबाइन के सामने रास्ते में खड़े हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। युवान को समझ नहीं पाता और बोलता है मैं तो यहाँ पर खड़ा हूँ। तभी लिंगवेन बोलती है कि वेट, मुझे यहाँ पर उतारो। जैसे वो नीचे उतरती है तो वो युवान को देखकर हैरान रह जाती है। वो बोलती है यो मैजेस्टी। युवान भी हैरान रह जाता है कि इसने मुझे मैजेस्टी क्यों बोला। चांदान उसकी स्लीव से बाहर निकलती है और बोलती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तब वो बोलता है कि नहीं मैं क्या जानूं इसको, और पता नहीं मुझे इसने ये क्यों कहा। और वो वहां पर हाथ जोड़कर लिंगवेन के सामने माफी मांगता है। युवान बोलता है कि ये हमारी पहली मीटिंग है, मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ पर लिंगवेन बस देखती रह जाती है क्योंकि उसे इतना तो पता चल चुका था कि उसने मिस्टेक नहीं किया है। तभी जो है लिंगवेन की नजर उसकी स्लीव्स पर पड़ती है और बोलती है कि यानदान अभी तक तुम जिंदा हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्या करूं कि तुम पीछा छोड़ दो। बहुत ही सीधी बन रही होती है युवान के सामने जैसे कोई भोली लड़की हो। वो युवान को रूम में देखा करती है और उसके लिए चाय बनाया करती है। ऐसी ही चाय किंग पे को भी पिलाती थी और बोलती कि अगर ये उन पर इतनी इफेक्टिव थी तो ये तुम पर भी इफेक्टिव होगी। यहाँ पर लिंगवेन अपने खतरनाक इरादों के साथ जैसा उसने प्रिंस पे के साथ किया है उनके पहले पैर को भुलाकर अपनी जगह वहां पर स्थापित कर ली, वैसे ही वो युवान के साथ करना चाहती थी। तो जाती है चाय लेकर, लेकिन युवान तो पहले से जानता था कि ये ज्यादा ही उलझी हुई लड़की थी कि आप ये ना चाय पी लीजिए, आप काफी ज्यादा थक गए होंगे और मैंने खासकर आपके लिए बनाई है। तो बोलता नहीं रहने दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ कि मुझे अपना मिशन कंप्लीट करना है। तो इस पर वो फिर से चाय का पीने के लिए कहती है और कहती है अरे आप थक जाएंगे तो पहले आप चाय तो पी लीजिए। कि अब प्रिंस पे की सेकेंडरी कॉन्सर्ट होती है तो वो पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि यहाँ पर आप कैसे आ गई, कैसे आपका यहाँ पर आना हुआ। तो वो बोलती है कि मैं ना कल्टीवेशन के दौरान हिज हाइनेस से मिली थी और वहीं पर हम लोगों ने काफ़ी दूर ट्रेवल किया, फिर उन्होंने मुझे फोर्स किया सेकेंडरी प्रिंसेस बनने के लिए कि मेरी जर्नी थी और मैं यहाँ पर चली आई। होटल होती है जिसमें सारी स्प्रिट कैच होती है, उसका नाम टेल्समैन होता है। तो लिंगवेन बताती है कि जो वो बोतल थी जिसमें सारी आत्माएं कैद होती हैं वो भी उसी के पास है। युवान बोलता है ठीक है मुझे उस बोतल को देखना है। तो वो बोलती है कि वो तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो उसे एक सील देती है और बोलती है इसकी मदद से तुम उसे ढूंढ सकते हो। उसके हाथ में वो सील रखती है, वो उसे देखता है तो उसमें से बियर की महक आ रही होती है। तो वो बोलता है ये महक कैसी आ रही है। तो बोलती है कि वो शायद अल्कोहल, ये एक आइटम जो है ना ये इधर उधर रिप्लेस हुआ करता है तो शायद इसकी वजह से आ रही हो। बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। फिर पता नहीं क्यों उसे वापस कर देता है और बोलता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वो चाय भी वहीं रख देता है। इसके बाद वहाँ से चला जाता है। लिंगवेन नाराज तो होती है लेकिन फिर खुश हो जाती है और बोलती है कि इन सब चीज़ों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ना एक दिन तुम्हें मेरे पास आना ही होगा और यानदान को तो इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। यहाँ पर योमो और प्रिंस पे बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक सैनिक आता है और बोलता है कि सेकेंडरी कॉन्सर्ट आ चुकी है। योमो भी पीछा करते करते एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर देखता है कि कुछ तो जल रहा होता है, कि मतलब लैंप टाइप होता है वहाँ पर रखा होता है। तो बोलता है ये क्या है, इसको यूज में कैसे आएगा। जैसे उस पर हाथ रखता है तो देखता है एक दरवाजा खुल जाता है, और वो दरवाजा जो होता है स्पिरिचुअल पावर का होता है जिसे तोड़ना योमो के बस की बात नहीं थी। वो शायद प्रिंस ली जो टेल्समैन मींस वो बोतल थी जिसमें सारी आत्माएं थी उसके जादू से बना रखा था। तो वो बोलता है इस टाइम तो वो लकी हो गया, लेकिन कोई नहीं मैं दूसरे टाइम ढूंढ लूंगा। क्योंकि युवान एक ऐसी जगह पर जाता है जहां पर बहुत सारे घड़े टाइप रखे होते हैं और वहां पर अचानक से ब्लैक स्प्रिट की तरह उस पर कोई अटैक कर देता है और वो उससे लड़ता रहता है क्योंकि वहां पर उसे कुछ ऐसी चीज दिखती है। सारे घड़ों में एक एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी होती है, शायद वो सारे स्प्रिट की होगी। और वो आदमी जो उससे लड़ता रहता है बहुत भयानक तरीके से होती है। तभी वहां पर योमो आता है और उसको बचा लेता है। अब यहाँ पर यानदान बोलती है कि इधर आओ देखो इसमें कुछ है, ये जो प्रिंस पेई है ना ये सारे स्प्रिट को मारकर उस टेल्समैन बोतल में सब कुछ ये सारी ही आत्माओं को इकट्ठा करके उन्हें जगा रहा है, मतलब वो बहुत ही पावरफुल बनना चाहता है। अचानक से आवाज आती है कि हमला हो गया। युमो और युवान जाते हैं तो प्रिंस पेई जमीन पर पड़े रहते हैं और बोलते हैं डाकुओं ने हमला कर दिया। अब युवान और युमो को तो पता था कि प्रिंस पेई असली खलनायक है, तो वहां पर वो ऐसे ही जानबूझकर उसके सामने नाटक बनाकर कहते हैं कि वो जो टेल्समैन बोतल है ना उसमें ना फास्फोरस थोड़ा भर दिया जाएगा जिसके वो लाइट जो है वो बाहर रिवील हो जाएगी और वो पाउडर जो है साइन करने लगेगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि वो बोतल कहाँ पर है। प्रिंस पे को पता चल जाता है कि इन दोनों को उनके बारे में पता चल गया है, तो वो उस पर अटैक कर देते हैं। जैसे ही अटैक करते हैं वो दोनों तो पहले से ही तैयार रहते हैं। यहाँ पर वो दोनों बोलते हैं कि देखो मुझे तो पहले ही सीक्रेट के बारे में पता था। तो इस पर प्रिंस पोई बोलते हैं कि तुमने मेरे साथ ट्रिक खेलने की कोशिश की है। अब वहाँ पर उन दोनों की बहुत भयानक लड़ाई होने लगती है जहाँ पर
लड़ाई करते करते वो जो दरवाजा खुला था जिसे यूमो तोड़ नहीं पा रहा था वो उसके अंदर घुस जाता है। अब यूमो और युआन दोनों खड़े रहते हैं, बोलते हैं इसके अंदर कैसे घुसा जाए तो मेरे बस की बात ही नहीं है। तब यहाँ पर युआन बोलता है कि ये किंग ऑफ स्पिरिट का बना हुआ दरवाजा है, और फिर वो अपनी पावर यूज करके दरवाजे का भेद खोल देता है और उसके अंदर वो दोनों चले जाते हैं। इसके बाद वो देखते हैं कि प्रिंस बेट टेल्समैन बोतल और देकर उसे तोड़ देना चाहते थे ताकि वो जो ब्लड है वो एविल बनकर हर जगह फैल जाए, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड पर राज करना चाहते थे। प्रिंस पे वो बोलते हैं कि देखना तुमने मुझे जरूर मार दोगे लेकिन जो वर्ल्ड पे तलवार लटकेगी उस लोग उससे तुम कैसे बचोगे। यहाँ पर अब बहुत ही बड़ा खतरा नजर आ रहा होता है क्योंकि प्रिंस पे ने पूरा का पूरा इरादा कर लिया था कि वो सब कुछ बर्बाद करके रख देंगे। रोकने के लिए युमो और युवान पूरी ताकत का यूज करते हैं लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो टेल्समैन बोतल खुल जाती है। इसके बाद उसमें से एक गोला टाइप निकलने लगता है, आग का गोला, जिसे रोकना नामुमकिन नजर आ रहा होता है। पेई के अंदर पिल थी ना वो बहुत ही पावरफुल थी, जिसकी वजह से वो वहां पर अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था और बोल रहा था कि तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मेरे अंदर जो पिल है उसका तुम लोगों के पास कोई तोड़ नहीं है। और युवान उससे लड़ तो रहे होते हैं, एक अपनी तलवार से एक अपने फैन से, बस वो वो पावर काम नहीं कर रही थी। यानदान कहती है मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम लोग साथ दो तो ये कि क्या है तुम्हारा डिस्टेंस कीपिंग बेंगल फ्लावर पे भी काम करता है। तो युवान बोलता है कि क्यों तुम क्या करने वाले, बोलती है बस मैं अभी जो मैं कहूँगी उसके बाद तुम मुझे अपनी तरफ बुला लेना। अब यानदान उठती है और पूरे जो उसका बोतल होता है ना टेल्समैन उस पर पूरा अपने रूट से लिपट जाती है। युमो बोलता है यानदान रन फास्ट भागो वहां से, युवान बोलता है वन स्टेप और वो तुरंत ही फूल उसका टूटकर उसके पास आ जाता है। डिस्टेंस कीपिंग लॉक लगा होता है तो तुरंत फूल नीचे गिरने वाला होता है, उससे पहले युवान उसको रोक लेता है और जो वो बड़ा सा गुब्बार भी फूला था ना पूरा आंधी तूफान जैसा वो भी रुक सा गया होता है। क्या करती है ना गिरते गिरते अपना एक पेटल उस बॉटल में छोड़ देती है जिसके बाद उसकी पावर एकदम कमजोर हो जाती है। प्रिंस पे नीचे गिर जाते हैं और वहाँ पर अब पूरा का पूरा महल भी नीचे ही गिर गया होता है। और युवान जाते हैं प्रिंस पे के पास और वहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है सब कुछ करने की, तुमने एक ब्लड रिवर के जरिए तुमने अपनी वाइफ को खुद की वाइफ को फंसाया और इतने सारे मर्डर किए, तुम अपनी वाइफ से प्यार करते थे तो मुझसे प्यार कर ही नहीं सकते। अब प्रिंस पे हंसने लगते हैं, बोलते हैं ओ तो ये है उसने मुझे इतना नीचा दिखाया है। अब वो अपनी पुरानी यादों में जाता है कि जो इलनेस होती है ना वो ठीक तो हो गई थी क्योंकि अब वो सारी सिचुएशन से उभर चुके थे, लेकिन वहाँ पर तभी उसका मंत्री आता है और बोलता है कि आपको अब एक न्यू कॉन्सर्ट अपने लिए चुननी चाहिए। वो बोलता है कि लेकिन मैंने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया है पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताऊंगा तो मैं न्यू कॉन्सर्ट कैसे ला सकता हूँ, पहले ही ठीक हो चुका हूँ लेकिन अब मैं दूसरी शादी नहीं कर सकते। लेकिन फिर से उसकी अचानक तबीयत खराब होने लगती है प्रिंस पेई की, तो उसका जो सर्वेंट होता है बोलता है आपको दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए वरना क्या पता कब आपकी तबीयत खराब हो जाए। इधर जो उसकी वाइफ होती है वो उसके लिए दवा बनाकर लाई हुई होती है और बोलती है कि आप इसे पी लीजिए, लेकिन प्रिंस पेई ये सब सुनने के मूड में नहीं होते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे अंदर अभी क्या दिक्कत है। तब वो बोलती है कि फिजिशियन ने बोला है कि आप बहुत पहले ही ठीक हो चुके हैं, बस आपको थोड़ा आराम की जरूरत है, आप टेंशन मत लीजिए। प्रिंस भाई बोलते हैं कि मैं रिकवर्ड हो चुका हूँ, मॉर्टल से बिल्कुल डिफरेंट हूँ, मैं वर्ल्ड पर रूल करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक इमॉर्टल पावरफुल इमॉर्टल बन सकूँ। उसकी वाइफ बोलती है कि आप इतना ऑब्वियस क्यों हो रहे हैं इमॉर्टल बनने के लिए, आप सही हो गए ये आपके लिए काफ़ी नहीं है। तो इस पर प्रिंस पेई बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ लेकिन मैं एक इंसान की तरह रहकर बहुत जल्दी ही मर जाऊँगा और तुम्हारे जितना मैं नहीं जी सकूंगा ये मुझे ज़्यादा जीना है, तो मेरी फीलिंग के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती हो तो मुझे बताओ कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। वो बोलती है कि अब आप लालची हो रहे हैं। तो वो बोलता है कि मैं चेंज नहीं हो सकता हूँ लेकिन तुम चेंज हो गई हो, तुम मुझे अपनी पावर ही नहीं देना चाहती हो। प्रिंस पेई को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो शादी कर लेते हैं, वो भी किस से, लिंगवेन से, और वहाँ पर लाते हैं और उसके सामने जानबूझकर उसको जेलस फील कराने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि आज तुम मेरे सामने ना यहाँ पर अपना ड्रामा करो। वो ड्रामा करने से मना कर देती है। तो यहाँ पर लिंगवेन बोलती है देखो ना प्रिंस पे ये ना आपकी बेइज्जती कर रही है, ये आपके सामने यहाँ पर ड्रामा नहीं कर रही। तो वो वहाँ पर मना कर देती और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। युवान बोलता है कि तुम इमॉर्टल पावर को पाने के लिए कितने ज़्यादा ऑब्वियस्ट हो सकते थे ये तुम खुद जानते हो कि तुमने कितने लोगों की जान ले ली है, और तो तुम्हारे इसी बिहेवियर की वजह से वह तुमको छोड़कर चली गई क्योंकि तुम्हारा जो प्यार था ना वो उसके लिए तो था ही नहीं। अब इधर यानदान भी कहती है कि ये बहुत ही लालची है, इसको यहाँ से हटाओ जितनी जल्दी हो सके। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें वो पिल दी थी तो अब टाइम आ गया है कि मैं तुम्हारे अंदर से वो पिल छीन लूँ क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो।
तो इस पर यूमो बता देता है कि पिल उसने जो तुम्हें दी थी वो मेरे से ही ली थी, और मैंने उससे कहा था कि 20 साल बाद में मैं वो पिल ले लूँगा, बट टाइम से पहले मैं पिल ले लूँगा ये मैंने नहीं सोचा था, और अब मैं तुमसे वो पिल ले रहा हूँ। उसके बाद वो अपनी पावर के जरिए वो छीन लेता है और वो पिल निकाल लेता है। लास्ट टाइम होता है वो बोलता है कि मुझे बॉक्स दिखा दो जो मेरी वाइफ ने दिया था। अब वो बॉक्स खोलता है तो देखता है कि उसमें तो वो लेटर और उसकी प्यारी चीज़ें रखी होती है जब उसने अपनी वाइफ से पहली बार शादी की थी, और वो फर्स्ट नाइट पर उसने उसको वहाँ पर पत्र और वो सब कुछ दिया था। अब वो बहुत पछताता है कि उसकी वाइफ उससे हमेशा से प्यार करती थी और वो था कि उससे नफरत करता रहा। अब उसे वो सामने नज़र आने लगती है कि वो उसके सामने खड़ी है। वो बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है और वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है, और देखते देखते वहीं पर उसको बॉडी छूटते ही वो नीचे गिर जाता है, और वो उसकी डेड बॉडी के पास जहाँ पर उसकी कब्र होती है ना वहीं पर गिरता है। उसके बाद वो फूल बनके ना उसकी कब्र से उड़कर चली जाती है जो उसकी वाइफ होती है, और उसकी भी वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद युवान बोलता है कि अब हम लोग का काम यहाँ पर पूरा हो चुका है, अब हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए। युवान बोलता है लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि अगर प्रिंस पेरी ने यानदान को हार्म पहुँचाया होता है, उसे फ्लावर स्पिन में चेंज किया है, तो उसने मुझे बताया क्यों कुछ नहीं। मुझे लगता है इसके पीछे किसी थर्ड पर्सन का हाथ है। जब वो लोग ये बातें कर रहे होते हैं तब वहाँ पर जो है एक लड़की उन दोनों की बातें सुना करती है, और यूमो बताता है कि अब डिवाइन अफेक्शन के जरिए हमारे पास कुछ ऐसी पावर है जिसके जरिए हमें यानदान को फिर से ह्यूमन में बदल सकते हैं। तब यानदान कहती है कि मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा देखा है कि जिसके जरिए वहाँ पर कुछ ऐसी पावर्स इकट्ठा है जिसके जरिए हम इसको सही कर सकते हैं, जिसका नाम कॉल्डन कॉन्टेंस लेंसन होता है। वो बोलता है ठीक है चलो हम लोग उसे ढूंढते हैं। वो लोग जा रहे होते हैं तभी देखते हैं कि सामने दो सैनिक एक बॉडी को उठाए लिए जा रहे होते हैं, और युवान दोनों अपनी पावर से उसको रोकते हैं। वहाँ पर कोई और नई लिंग्वेन होती है जिसने जानबूझकर अपने आप को फंसाया होता था। जब युवान उस रस्सी को खोलता है तो उसके अंदर सेकेंडरी प्रिंसेस होती हैं। बोलता है आप यहाँ पर कैसे। वो रोने लगती है और बोलती हैं कि मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा, आपने मेरी जान बचाई उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। वो उसका युवान का हाथ पकड़ती है, युवान अपना हाथ पीछे कर लेता है। इसके बाद वो बोलती है कि आपने मेरी जान बचाई है, इसके बदले में मैं आपको रिपे तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही अच्छा लिंशन बहुत ही रेयर हूँ, तो ये सेकंड ट्रीजर होता है जो युवान के घाव को भर सकता है। युवान बोलता है ठीक है तुम मुझे ले चलो। अब वो उसके पास लेकर जाती है जहाँ पर अपनी पावर से ना उस ट्रीजर को वो थोड़ा सा युवान की तरफ घुमा देती है और बोलती है कि ये आपके लिए है, शायद ये आपके लिए है यहाँ पर। तो वो जैसे ही उसको पकड़ता है ना उसके अंदर का घाव जो चार खाने भरे होते हैं ना उसका सेकंड घाव भी भर जाता है, लेकिन जब वो उसको दोबारा यूज करता है तो वो यूज ही नहीं होता। तो लिंगमैन बताती है कि ये अगर तुम इसको ऐसे यूज करो तो ये नॉर्मल झाड़ू की तरह है, लेकिन अगर इसका यूज करने का तरीका तुम्हें ढूंढना है तो ये तो इसका फॉर्मूला मेरे सेक्ट में छूट गया है। तो मेरा सेक्ट यहाँ से बहुत दूर है जो खतरों से भरा हुआ है और मैं अकेले यहाँ से नहीं जा सकती। वान बोलता है तुमने मेरी हेल्प की है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बोलता है कि देखो अब हम लोग का काम पूरा हो गया है, तुम्हें अपना काम पूरा करना है तो तुम चाहे जहाँ जाओ, लेकिन मेरा काम पूरा हो गया तो मैं चाहता हूँ कि यानदान मेरे साथ मेरे घर चले। तो अब दोनों वहाँ पर लड़ने लगते हैं खूब तेज़ से। यूमो बोलता है वो येलन माउंटेन को बिलोंग करती है, वो बोलता है नहीं वो मुझे बिलोंग करती है। यानदान कहती है बस भी करो और मुझे सही करो। दोनों मिलकर उसे ह्यूमन फॉर्म में तो ले आते हैं लेकिन उसके हाथ में ब्रेसलेट रहता है। बोलती उफ ये बेवकूफ़ ब्रेसलेट अभी भी मेरे हाथ में है। तो युवान उसकी तरफ देखने लगता है, बोलते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब युवान बोलता है कि तुम चलो मेरे साथ क्योंकि मुझे आगे चलना है। तो यूमो बोलता है कि नहीं ये मेरे साथ जाएगी। तो बोलता है यानदान से ही पूछ लेते हैं। तो यानदान बोलती है कि देखो अभी मुझे दुनिया घूमनी है, मैं फ्री हुई हूँ, अब मैं ह्यूमन बनी हूँ तो मुझे ना बहुत घूमने का मन है, तो मैं तुम्हारे साथ भी जाना चाहती हूँ लेकिन ना मैं घूमना भी चाहती हूँ, तुम बताओ तुम क्या सोचते हो। युवान बोलता है कि मुझे लगता है यूमो तुम इसकी जो फीलिंग है उसकी रिस्पेक्ट करते हो। तो यूमो के पास भी अब बेचारा क्या करता है, बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब यानदान की स्माइल बड़ी सी निकलती है पर देखते हैं जो हमारी प्रिंसेस जौलान होती है ना वो जाती हैं आसमान के पास और वो बोलती हैं कि मुझे पता चल गया है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुम कुछ दिनों से यूमो के पीछे पड़े हो और तुम्हें ये पता चल गया है कि वो नाइन फिन्स क्लैन का है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा जो क्राउन है वो छीनने की कोशिश कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। उसने मुझसे कहा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चारों सी के जो रूलर हैं उनसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस अपना काम पूरा कर रहा है, तो तुम उसके बीच में टांग मत अड़ाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भी तुम्हारे बीच में आऊंगी। बात किसी को पता चली 4C में तो जानते हो तुम्हारी रिपीटेशन का क्या होगा। तो इस पर आसमान बहुत तेज से चिल्लाकर कहता है जौलान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कहने की। तो वो बोलती है देखो हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं, अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे से तो नहीं बच पाओगी। है कि तुम्हें पता है कि ग्रीन ड्रैगन क्लैन जो है वो हमेशा अपनी
फीलिंग्स को लेकर क्लियर रहा है तो मैं तुमसे बता देना चाहती हूँ कि यूमू के फियांसे कोई और है, तो जितनी जल्दी हो सके तुम शादी की तैयारी करो, क्योंकि मैं अब शादी में देर नहीं करना चाहती हूँ और तुम जल्दी से डेट निकालो ताकि हम लोग शादी कर सके। अब यहाँ पर आश्वान के का तो ठिकाना नहीं रहता, बोलता है सच में तुम सीरियस हो ना? वो बोलती है कि साउथ सी एंड वेस्ट सी को मैं जितनी जल्दी हो सके जोड़ना चाहती हूँ, बस मैं इसीलिए शादी करना चाहती हूँ, इसके अलावा कोई फीलिंग नहीं है। आश्वान जावलान के माथे पे किस करता है और वो अंदर ही अंदर बहुत टूट चुकी होती है, लेकिन बस क्या है ना, रिलेशनशिप को सुधारने के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। जैसे ही वहाँ से जावलान जाती है तो सैनिक पूछता है आश्वान से कि क्या आप सच में प्रिंसेस की बात मान लेंगे, आप यूमो को बिल्कुल हार्म नहीं पहुँचाएंगे? बोलता है कि तुम इसकी टेंशन मत लो, तुम उस पर हमेशा अपनी आंखें रखो यूमो पर, और जैसे ही मिले उसको वहीं पर मार दो, मुझे बताना भी ना पड़े। इसके बाद की शादी की तैयारी होने लगती है और वो वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल फैब्रिक के कपड़े पहनती है, जहाँ पर जो उसे की मेड होती है वो बोलती है कि आप सच में बहुत सुंदर लग रही हैं, क्या आपको ये पसंद आया? तो वो बोलती है जो लग्जीरियस चीज़ें हैं ना मुझे नहीं पसंद है। तभी वहाँ पर जावलान के फादर आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि ये तुम पर परफेक्टली फिट तो नहीं हो रही, कुछ तो गड़बड़ है। वो बोलती है फादर आप कैसे हैं? उसके फादर खुशी से उसके पास जाते हैं, जहाँ पर वो अपनी बेटी को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। उसके फादर बोलते हैं अपनी बेटी को गाउन में ना देखने आऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अब उससे बैठ कर बातें करने लगते हैं, तब वो क्योंकि वो बीमार हैं और उस वो इस पर जावलान मेडिसिन के बारे में पूछती है कि आप सही से खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। तो फादर को थोड़ा बहुत तो शक था कि उसकी बेटी इस शादी से खुश नहीं है, तो उससे बोलते हैं प्यार ऐसी चीज़ है जिसमें ये सोर्स और पावर काम नहीं करते हैं, और मैं अपनी बेटी की सिर्फ खुशी चाहता हूं, तो तुम मुझे बताओ। तो यहाँ पर जो जावलान की हार्ट सीकर बेल रिंग होती है ना, क्या वो शुरुआत में मिला था तो वो उसने अपनी पावर यूज की थी तो वो टूट गई थी। उसके फादर वो देख लेते हैं और जो उसके हेवन मैच होता है उसी के संग वो टूटती है, क्योंकि वो उसी के संग अपना रूप दिखाती है। तब उसके फादर बोलते हैं कि ये बताओ कि क्या तुम उसके प्यार में पड़ गई हो, तुम मुझे बताओ। तब वहाँ पर वो कबूल लेती है कि हाँ फादर ऐसा ही है। तब उसके फादर बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम इस सी के प्रिंस से शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गई? तो वो बोलती है हम लोग कभी साथ में नहीं रह सकते, तो ये शादी करना ही मेरे लिए सही है, हम लोग बस फ्रेंड हैं। वो बोलती है फादर मैंने अपने फेट को रिकॉग्नाइज कर लिया है, पहचान लिया है, और मेरा जो भविष्य है ना वो ईस्ट सी के प्रिंस के साथ ही आएगा। वो अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं। इधर हम देखते हैं कि जो यूमो युआन और यानदान होते हैं वो एक जगह पर बैठे होते हैं, जहाँ पर यानदान बताती है कि मैंने एक बुक में पढ़ा था कि जब कोई हेवन में मर जाता है तो उसे नाइट फॉरगेटिंग रिवर को पार करना होता है, और इसके बाद वो अपना सब कुछ पास्ट भूल जाते हैं। तो वो के बोलती है कि ये मॉर्टल रिलेम से रिलेटेड है, तो तुम्हें पता है इसके बारे में? उसके बाद जो भी इंसान जमीन पर आता है वो न्यू लाइफ जीने लगता है। युआन बोलता है मे बी ये सब होता होगा, और जियान चैन भी शायद ऊपर गई होगी और अपना यहाँ का सारा पास्ट भूल गई होगी, केयरफुली लाइफ बिता रही होगी। तो क्योंकि यानदान को लगता है ना कि यूमो जियान चैंग मीन्स जो प्रिंस पे की वाइफ थी उसके प्यार में है, तो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम येलन माउंटेन के प्रिंस हो तो तुम्हें इन सब चीज़ों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है और हम लोग भी तुम्हारे साथ हैं। मतलब वो उसको दिलासा दे रही होती है। किंगवेन अपना पासा युआन पर फेंका करते हुए बोलती है आप तो बहुत दूरी चलकर आए हैं तो आपको तो स्वेट हो गया है, लीजिए पोछ लीजिए। और वो जैसे ही पूछने चलती है युआन मना कर देता है, बोलता है मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे सेक्टर में ये अलाउड नहीं है कि मैं किसी वुमेन के कॉन्टेक्ट में आऊँ। तो अपना हैंकी पीछे कर लेती है, मतलब उसकी थोड़ी बेइज्जती हो जाती है। यानदान अपना मुँह बनाती है कि बहुत ही चिपकू लड़की है, बस चिपका करती है। अब हम देखते हैं कि इधर यानदान अपने रूम में बैठी होती है, वहाँ पर लिंगवेन आती है उसके लिए खाना बनाकर, और वो उसे कहती है कि ये लो तुम खाना खा लो, और बोलती है कि अरे वाह ऐसा लगता है कि मैंने ये खाना पहले भी चखा है। तो बोलती तुम्हें पसंद आया मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। तो बोलती है कि तुम्हें पता है ना यानदान कि मैं कितनी लोनली हो गई हूँ, मैं बहुत अकेली हो गई, तो क्या तुम मुझे युआन के बारे में बता सकती हो? उन्होंने मेरी लाइफ कई बार बचाई है, दिया है कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मैं अपना फेवर कुछ देना चाहती हूँ उनके लिए। युआन के बारे में तुम्हें जानना है, ये तो बहुत सिंपल बात है, तुम जानती हो कि वो किस तरह का ट्रिकी पर्सन है, मतलब वीक स्पिरिट को पकड़ा करता है। मुझे नहीं लगता है कि वो जो जेंटलमैन का दिखावा करता है ना वो जेंटलमैन बिल्कुल भी नहीं है। लिंगवेन जो है ना उससे बस मीठी मीठी बातें करके सारी बातें घुलवाया करती है, और वो बेचारी वहाँ पर बस चुपचाप बैठी रहती है। इधर हम देखते हैं कि युआन और यूमो फिर से यानदान को लेकर आपस में बहस करते हैं। उसके बाद वो दोनों कहते हैं कि ऐसे मामला शांत नहीं होगा, हम दोनों को आपस में लड़ना पड़ेगा। वो दोनों फिर से लड़ते हैं। यानदान और लिंगवेन ये सब चीज़ें देखा करती हैं, तो यानदान बोलती है अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन मुझे लगता है कि मैं एकदम सही हूँ। नहीं, इसे लड़ने में बहुत मजा आता है, इसे फाइटिंग से इसे लड़ाई से बहुत ही प्यार है, इसीलिए अपने आप को बस हमेशा प्रूव किया करता है। तो लिंगवेन कहती है कि मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है कि वो अपनी फाइटिंग स्किल दिखा रहे हैं और अपनी स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं। मतलब
यानदान कहती है कि ये लड़की कैसी है, फिर से अपना मुंह टेढ़ा करती है वो उसके लिए। इधर वो दोनों लड़ाई क्या करते, तभी यानदान कहती है अरे रुक जाओ कितना लड़ाई करोगे तुम लोग, शांत भी हो जाओ। ये है कि एक बात समझ में नहीं आती है कि तुम येलन माउंटेन के चीफ हो और तुम जो है लिंगसाओ सेक्ट के लीडर बनने वाले हो, तो तुम दोनों आपस में ही लड़ रहे हो, चलो चलो हाथ मिलाओ, दोनों लोग हाथ मिलाओ। मतलब वो जबरदस्ती उन दोनों के बीच हाथ मिला देती है। यह कहना था कि क्योंकि फोर डिवाइन आर्टी फैक्ट्स जो है उसके जरिए युवान ठीक हो सकता था, तो वो दो हो चुके थे, दो टीजर अभी भी ढूंढने थे, तो बहुत ही जल्दी जल्दी दोस्ती करो और उन दोनों का हाथ वहां पर मिलवा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहां पर हाथ मिला लेते हैं। इसके बाद जो यानदान होती है अपनी रूम में बैठी होती है, वो बोलती है कि पता नहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि यूमो इस टाइम डिप्रेशन में चल रहा है क्योंकि उसकी जो प्रेमिका थी जान चैन वो मर गई है। लिंगविन यहाँ पर कहती है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम उसके लिए कुछ अच्छा करो, क्योंकि वो तुम्हारी बहुत मदद किया है उसने। अगर अब वो क्या करती ना, यूमो के लिए वहां पर खाना बनाकर भेजती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और वो बोलती है कि तुम एक पर्ची भी लिखते हो, बिल्कुल भी सैड मत हो और जो होगा ना वो बहुत ही हैप्पी होगा तुम्हारी। और पूरे भर में पेपर लगा देती है पूरे रूम के सामने कि नेक्स्ट डे तुम्हारा बहुत ही अच्छा होगा। इधर जो लिंगवेन होती है ना वो चेस लेकर बैठती है और बोलती है युवान से कि आप मेरे साथ खेलिए, तो इस पर युवान कहता है कि तुमने इसलिए मुझे बुलाया, मैं जब भी चेस खेलता हूँ तो मेरे दिल में बहुत तेज दर्द होता है और मुझे कुछ पुरानी यादें आती हैं कि जैसे कोई लड़की है वो जो है गिरने वाली है, वो हार्ट ब्रोकन है, मतलब उसका दिल टूट चुका है। तो के बाद लिंगवेन जो है जानबूझकर वहां पर कहती है कि जो आपके दिमाग में लड़की आती है ना वो आपके लिए बहुत ही खतरे वाली लड़की है, आप उससे जितना हो सके कि उससे दूर रहो, आपकी जान को खतरा है। तो युवान बोलता है लेकिन वो का तो दिल बहुत टूटा हुआ लग रहा था। अब वो सोच में पड़ जाता है। लिंगवेन कहती है कि अभी तक उसको याद करके हुए रखा है। यूमो जाता है यानदान के पास जहाँ पर उसने बनाया होता है बहुत ही अच्छी लाइटिंग बल्ब जिसको हवा में उड़ाया जाता है, तो वो यूमो जो है हवा में उसे उड़ा देता है और वहाँ पर और भी ऑलरेडी बहुत सारी लैंप उड़ रही होती है जिसे जो है देखता है। और युवान जैसे ही लैंप को देखता है वो भी आसमान में उड़ जाता है और वो हाथ दोनों पकड़े रहते हैं, हाथ छोड़ देते हैं। तो यानदान बोलती है कि हाँ हम दोनों यहाँ पर घूम रहे हैं। युवान बोलता है कि यहाँ पर बहुत खतरा है, तो यूमो बोलता है जब तक मैं इसके साथ हूँ कोई खतरा नहीं। लेकिन अचानक से जिस लैटर्न पर खड़ी होती है ना उसे से फिसल कर नीचे गिरने वाली होती है। यूमो भाग कर जाता है, उसे लेता है, लेकिन जैसे युवान नीचे उसको बचाने चलता है ना उसके हार्ट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। और जब वो यानदान को नीचे गिरते हुए देखता है तो उसको वही बार बार ड्रीम्स आने लगते हैं कि अरे ये तो वही चीज है। अब इधर उनको देखते हैं जिसके फादर की डेथ होने वाली होती है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो वो बोलते हैं आसमान मैं तुमसे बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जितनी जल्दी हो सके जालान से शादी कर लो, साउथ सी पर पूरा कब्जा कर लो। तो बोलता है फादर आपकी हर विश मैं पूरी करूँगा। और उनकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। एक सैनिक आता है और बताता है कि जो मतलब साउथ सी के किंग हैं महल से सीक्रेटली तौर पर भाग चुके हैं, वो नाइन फ्रेन क्लैंस के प्रिंस से मिलने गए हैं। तो बोलता है कि मेरे फादर की बस अभी डेथ हुई और इन लोगों ने मुझे धोखा देना शुरू कर दिया है। इधर हम देखते हैं कि चारों बैठे साथ में गैम्बलिंग का गेम खेल रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जो जावलान के फादर होते हैं ना वो वहाँ पर आते हैं। वो जैसे ही युवान को देखते हैं और बोलते हैं कि अरे ये कैसे ना कैसे हैं, जबकि पूरे हेवन में ये बात फैल चुकी है कि मैजिस्ट्री मर चुके हैं। अब वो वहाँ पर उसके सामने वो सर झुका लेते हैं, बोलते हैं कि आप एक डाइटी हैं, मतलब आप देवता हैं। मतलब देवता की बात सुनकर यानदान का तो मुंह खुला रह जाता है, देवता है ये देवता, नॉट बैड देवता, हाथ जोड़ लेती है। और लिंगवेन को तो पहले से ही पता होता है लेकिन यूमो को पूरा शक जाता है कि मतलब ये किस तरह का देवता है। जालान के फादर आते हैं, यूमो से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी बहुत ही खतरे में है, मेरी बेटी तुम्हारे प्यार में है। तो बोलता है लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। यूमो बोलता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं जानता हूँ और मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो फादर बोलते हैं कि जो वो हार्ट सीकर बेल थी वो तुम्हारी वजह से टूटी थी और ये सिर्फ बिलव्ड के लिए ही टूटी है, तुमने उसे प्रॉमिस किया था कि तुम उसे बचाओगे। तब यहाँ पर यानदान बोल देती है कि ठीक है वो उसे बचाएगा, आप चाहे कि वो जाकर उसकी लाइफ बचाएगा, क्योंकि एक बार जावलान ने भी उसकी लाइफ बचाई थी जब उसने पृथ्वी पर भेजा था। जावलान के फादर उसको लेकर जाते हैं वहां पर युवान का मुंह ढकने के लिए, वो उसे वहाँ पर एक व्हील देते हैं जिससे मुंह पूरा ढक जाता है क्योंकि इससे उसको कोई पहचान ना पाए, क्योंकि उसके फादर तो जानते थे कि ये मतलब लॉर्ड हैं लेकिन और कोई पृथ्वी पर ना जान पाए, इसलिए उसका मुंह ढकवा देते हैं। मुंह ढकवाने के बाद वो वहाँ पर जाते हैं तो सैनिक रोक लेते हैं। यानदान कहती है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये किस तरह का देवता है, मतलब मुझे भी तो पता चले। तो वो लिंगवेन से पूछती है तुम्हें पता है ये किस तरह का देवता है, तो लिंगवेन हंसने लगती है, कहती तुम बहुत मजाक किया हो। इसके बाद अब जो है चारों मिलकर अंदर जा रहे होते हैं तो सैनिक रोक लेते हैं
कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो वो इस पर उसके फादर बोलते हैं कि तुम मुझे अंदर जाने से नहीं रोक सकते, और वो अपने मतलब पावर का यूज करते दोनों सैनिकों को नीचे छोड़ देते और अपनी पावर से दरवाजा भी तोड़ देते हैं। लेकिन अंदर आसवान होता है ना, वो अपनी पावर से उसके फादर को रस्सी में बांध देता है, और ऑलरेडी जो अरलान वहाँ रस्सी में बंधी होती है, उसके फादर बोलते हैं कि इसे छोड़ दो। आसवान होता है, देखो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी कि मैं अपनी ब्राइड को खुद पिक किया हूँ, क्योंकि वो मेरे से हर बार मुझे धोखा देती है। तब इस पर उसके फादर बोलते हैं कि मैं ड्रैगन किंग हूँ साउथ सी का, तो मेरे साथ ऐसा खिलवाड़ मत करो। जीत पर अड़ा था, और वो बोलता है कि मैंने कई बार कोशिश की कि मैं तुम लोगों को सही रास्ते पर ला सकूँ, लेकिन मेरी ब्राइड हर बार मुझे रिजेक्ट कर देती थी, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इसके बाद युआन बोलता है कि तुमने रूल तोड़ा है, तुमने जो है जानबूझकर जावलान और उसके फादर को यहाँ पर कैद किया है, तो इस हिसाब से तुम दोषी हुए। तो वो बोलता है कि देखो मैं अपने थ्रोन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, और मैं जो हूँ नया किंग हूँ, इन चारों समुद्रों पर राज करने वाला नया रूलर, तो मेरे से तुम इस पर ना ही बोलो तो अच्छा होगा। आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो आसवान होता है उसने जावलान और उसके फादर को पूरी तरीके से बंधक बना लिया होता है। यहाँ पर यानदान थोड़ा बहुत मैटर संभालने की कोशिश करती है, क्योंकि जो आसवान होता है ना, वो खूब तेज से चिल्ला रहा होता है कि तुम लोग तो बस एक मॉडल हो, वो भी बस तुच्छ से मॉडल, और तुम लोग मेरे सामने ऐसे नॉनसेंस बकवास कर रहे हो। तुम लोग को क्या लगता है कि मैं तुम लोग को छोड़ दूंगा? ये ड्रैगन किंग, आप प्लीज ऐसे मत चिल्लाइए ड्रैगन किंग, थोड़ी सी ना आपको गलत फहमी हो गई, हम लोग तो आपकी मैरिज अरेंजमेंट के लिए यहाँ पर आए हैं। वो यानदान को शांत कराता है और खुद आगे जाता है और बोलता है कि इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें मारना है तो मुझे मारो, क्योंकि मैं तुम्हारा असली गुनहगार हूँ। तो इस पर जावलान खुद से चिल्लाते हैं, यूमो तुम वहां से हट जाओ। आसवान होता है बोलता है कि अच्छा, तो तुम अपनी जो तुम्हारी खुद की ओन स्प्रिट है तुम उसे मारना चाहते हो, कोई बात नहीं, तुम घुटनों के बल बैठो, मुझसे माफ़ी मांगो, तब मैं सोचूंगा कि मैं तुम्हें माफ़ करूं या ना करूं। तो जावलान, तुम बस मेरी सेवियर है, उसने मुझे बचाया था इसलिए मैं उसे बचाने आया हूं, मेरा इसके अलावा उससे कोई नाता रिश्ता नहीं है, और तुम जावलान के फादर को भी छोड़ दो। लेकिन आसवान तो किसी का सुनने के मूड में था नहीं, और वो बोलता है कि आज नहीं तो कल मरने ही वाले हो। यूमो बोलता है कि मुझे ये ट्रबल करना पसंद नहीं है, ऐसे तुम नहीं मानो। अब जिस पर आसवान कहता है अटैक करो, अब यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है, दोनों तरफ बहुत भयानक लड़ाई होने लगती है। आसवान होता है ना, वो अपने पॉइंट उसका नुकूला हथियार होता है, वो उससे अटैक कर देता है। आसवान जब हारने लगता है तो वो क्या करता है ना, डायरेक्ट जो जावलान के फादर होते हैं उन पर ही वार कर देता है, और उनके हाथ पर वो जो हथियार होता है फंसा देता है। उसके फादर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतनी तेज से घसीटता है कि उनके फादर का हाथ वहीं पर कट जाता है उतना। इसके बाद युवान और यानदान सब उनसे अपनी ताकत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तब तक जाकर जावलान को ही पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ घसीट कर कहता है कि 3 दिन देता हूँ तुम लोगों को, सिर्फ 3 दिन, अगर 3 दिन के अंदर यूमो का सर मुझे दे दिया तो तुम अपनी पोजीशन पर बने रहोगे, वरना मैं तुम्हारी पोजीशन भी हथिया लूंगा। वहां पर वो धमकी देता है और कोई रोक भी नहीं पाता है, वो उसे वहां से लेकर चला जाता है धमकी देकर। होती है ना, उसे भी पता चल जाता है कि ये 9th क्लैन का जो सन है, अग्नि और पानी दोनों की पावर है जिसके पास, वो बोलती है कि इसके पास तो बहुत ही पावर है, मुझे इससे जल्दी ही छुटकारा पाना होगा और इसे अपने रास्ते से हटाना होगा, लेकिन मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं उसे अपने रास्ते से हटा सकूं, इसीलिए मुझे किसी और का साथ लेना ही होगा। मतलब वो किसी हेल्पर को ढूंढ रहे ताकि वो यूमो को मार गिरा, और वो हेल्पर कोई और नहीं, खुद आसवान होने वाला है। अब हम देखते हैं कि तीनों जगह के जो गॉड होते हैं वो आ जाते हैं, कहते हैं कि अगर हमें अपने थ्रोन को मतलब अपनी क्राउन को बचाना है तो चारों समुद्रों के गॉड हैं, वो असली गॉड यूमो ही है, तो ज़मीन पर बैठकर उनसे हेल्प मांगने लगते हैं। तो इस पर यूमो कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप अपनी पावर पर बिलीव रखिए और अपनी इस जगह पर शांति बनाए रखिए, और मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। यूमो की बातें सुनकर उसके फादर बोलते हैं कि मैं आपके सामने भले ही ज़मीन पर बैठा हूँ, लेकिन मैं अपना माइंड नहीं चेंज करना चाहता हूँ, गिल्ट फील कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर उसके फादर कुछ ना कुछ तो यूमो से छुपा रहे थे, और आखिरकार वो बता देते हैं कि मैं तुमका तो शायद तुम मुझसे नाराज़ हो जाओगे, तो वो वहाँ पर बताते हैं कि तुम्हारी फैमिली जो थी उन्हें जो धोखा मिला था, और वो धोखा किसी और ने नहीं बल्कि इसी प्लेस पर दिया गया था, और जो ये प्लेस है ना ये तुम्हारी फैमिली को बिलोंग करता है। इसके बाद यूमो वहाँ से दुखी हो जाता है और वो बाहर निकल आता है, वो पुरानी चीज़ों को सोचा करता है कि प्रीवियस किंग थे वो कोई और नहीं बल्कि यूमो के फादर थे, ट्रैप किया गया था, फंसाया गया था, जिसकी वजह से इंटायर आर्मी जो थी वहाँ पर मारी गई थी। अब यूमो बहुत ही दुखी होता है, इवन होती है ना, वो बहुत सारे
केक बना रही होती है तो वो बोलती है कि यानदान से कि ये जो है ना ये मून केक हैं, बहुत ही प्रीसियस इंग्रेडिएंट से बने हैं जो कि साउथ सी से बिलोंग करते हैं। हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, स्पिरिट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इसे इवान खाएंगे तो उसके उनके जो स्पिरिचुअल पावर है वो बहुत ही जल्दी स्टेब्लिश हो जाएगी। यानदान बोलती है उसने तुम्हारी जान बचाई है और तुम अपना कुछ बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रही हो उसके लिए। तो वो बोलती है कि मेरी जान बचाई इसलिए मैं ये सब नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं उसे पसंद करती हूँ। अब यानदान उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाती है, बोलती है कि ये सिर्फ वर्ड नहीं है, मैं सच में उसे बहुत ही लाइक करती हूँ, ये वर्ड मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। यानदान अपना जो स्पून लिए होती है उसे ऐसे वहीं पर उसके फिर से केक बनाने लगती है, क्योंकि यानदान थोड़ी अपसेट हो जाती है। तब लिंगविन बोलती है कि तुम इतना अपसेट क्यों हो गई मेरी बातें सुनकर, क्या तुम भी उसे लाइक करती हो? अब यानदान उसकी तरफ फिर देखने लगती है, बोलती पॉसिबल, मैं भला उसे क्यों लाइक करूंगी, मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो उसके अंदर इमोशन और फीलिंग नाम की चीज़ भी है या नहीं। तुम्हें वहाँ पर उसके सामने बोलती है कि हम लोग तो डिस्टनाइज हैं हमेशा और साथ और फॉरवर रहने के लिए। अब यानदान को तो जैसे रोने वाली शक्ल बन जाती है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्यार तो उसे पहले से ही है बट अभी उसे रियलाइज नहीं है। इधर हम देखते हैं कि लिंगवेन वही केक बनाकर युवान के पास ले जाती है और बड़े प्यार से उसके सामने खड़ी हो जाती है। लाइट्स ऑफ होती है तो लिंगवेन ही लाइट पूरी जला देती है अपनी अपनी पावर से। तो वो बोलती है कि मैं ये आपके लिए हमेशा करना चाहूँगी। केक को देखा करती हुई स्माइल करती करती, ये मैंने बनाया है, आप क्या इसे खाना चाहेंगे, जिससे आपके पेन में थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगी। तो युवान बोलता है मुझे इस पेन की आदत पड़ चुकी है और प्लीज़ मेरे से आगे आगे से मेरे लिए ऐसा कुछ करने की कोशिश मत करना। तो वो बोलती है कि बस मैं आपको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। युवान को वो ज़बरदस्ती खिलाने लगती है, कहती है कि सिर्फ आप एक खा लीजिए, लेकिन युवान तब भी मना कर देता है। वो बोलता है कि वो नहीं खाएगा। वो बोलती है कि यार इसकी प्रीसियस जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इकट्ठा किए, लगता है कि मिस्टर यू के लिए वो भी केक बनाना चाहती है। तो इस पर युआन बोलता है कि जो आउटसाइड पैलेस है वो तो बहुत ही डार्क है, बहुत ही डेंजरस है, वहाँ पर यानदान क्या करने गई है, हाँ और उसे देख कर आता हूँ, तुम ये केक खाओ और चली जाओ यहाँ से। अब उनके सारे पासे उल्टे पड़ रहे थे, वो करे तो क्या करे। यान होती है वो वैली में जाती है और बोलती है ओह ये तो बहुत गहरा है और इसे यहाँ पर कैसे कोई क्लाइंब कर सकता है इस जगह से। अब वो बैठे तभी पीछे से युआन जाता है और उसको देखा करता है। युवान जब उसको देखता है तो वो नीचे जाकर तो बोलता है यानदान क्या कर रही हो। अब यानदान फिसल जाती है, युवान जाकर उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन कितनी देर संभाल सकता था वो, उसको तो नीचे जाना ही था। और वो बोलती है कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे जल्दी अपनी तरफ घसीटो। लेकिन युवान अपनी पुरानी यादों में चला जाता है जहां फिर से वही चीजें याद आने लगती है, उसके हाथ में बहुत दर्द होने लगता है। यानदान कहती है कि तुम मुझे ऊपर खींचो और तुम्हें इतना पेन क्यों हो रहा है मुझे बताओ। तो वो कुछ समझ ही नहीं पाता और उसका हाथ कांपने लगता है। जैसे हाथ कांपने लगता है तो यानदान नीचे गिर जाती है। युवान कहता है यानदान और वो भी नीचे कूद जाता है उसको बचाने के लिए। अब दोनों नीचे जाते हैं, उसको पकड़ कर वो नीचे की तरफ लेकर आता है जहाँ पर उनकी आंखों में आंखें मिलती हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जो उसकी हेयर पिन होती है ना वो ब्लिंक करने लगती है, क्योंकि जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर तो ऐसा होना ही है। वो बोलती बदतमीज इंसान थे और तुमने मेरा हाथ क्यों छोड़ा, तुम क्या सोच रहे थे और तुमने ये पर्पज वाइज तो नहीं किया है ना। तो युवान बताता है कि पता नहीं मुझे ऐसे सपने आ रहे थे। तो बोलती हाँ ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, एक डीमन हंटर को ऐसे सपने आएंगे। तो वो बोलता है अच्छा चलो चुप हो जाओ, तुम वो लड़की नहीं हो। नन बोलती कौन है वो लड़की, तो बोलता है कि शायद मेरे पास्ट से रिलेटेड है कोई, कहीं वो सेंगड़े तो नहीं। वो बोलता है इम्पॉसिबल, तुम क्या बकवास कर रही हो, पर केक बनाने के लिए चीज़ें नहीं आई थी, अगर ले चुकी हो तो यहाँ से चले। पर उसकी नज़र जेली फिश पर पड़ती है, जो बहुत सारी वहाँ पर जेली फिश होती है। यानदान उन सब चीज़ों के बीच में घूमने लगती है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो जो वहाँ पर स्टार होते हैं ना उनको फिर से अपने बोतल में कलेक्ट करने लगती है, जैसा कि वो हमेशा से करती थी कलेक्ट। हमारे लिए तो सांगडे ने भी बहुत अच्छी रेसिपी तैयार की, तुम्हें नहीं अच्छी लगी क्या? देखो सांगडे तुम्हें बहुत ही लाइक करती है और इसीलिए उसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, तो तुम भी उसकी टेंशन को समझो और स्पिरिचुअल पावर लौटाने के लिए ये सब कर रही है। इस पर युवान बोलता है कि वो कुछ भी कर ले, वो कितना भी कुछ कर ले ना, वो मेरे लिए बर्डन से ज्यादा कुछ नहीं है, वो लड़की वो नहीं है जिसे मैं लाइक करता हूँ। यानदान कहती है अच्छा ये बात है, तो तुम ये बताओ क्या तुम्हें सच में किसी और से प्यार हो गया है, तो तुम मुझे उसका नाम बता सकते हो। युवान उसकी तरफ देखने लगता है, तुम दोबारा यहाँ पर फिर से नजर आई ना तो मैं तुम्हें अपनी बोतल में फिर से कैद कर लूंगा। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। तो बोलती बदतमीज इंसान हमेशा ऐसी बातें करता है। इसी का न्यू लीडर चुना जाना था जिसका फेस पूरी तरीके से ढका हुआ था। यूमो बोलता है कि इसका मुंह ढका क्यों हुआ है, मुझे भी तो इसका फेस दिखाओ, तो गलत नहीं हो तो ये नॉर्थ सी के लीडर है ना, तो ये जो ब्लैक क्लोथ पहने हुए हैं तो नॉर्थ सी के लीडर जरूर है, बट मैं डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहती हूँ क्योंकि ये ड्रैगन क्लैन से बिलोंग नहीं करते हैं।
मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों के साथ मिलेंगे, क्योंकि इसका ये अपनी डिग्निटी को एकदम अलग रखते हैं। तो बोलता है कि मुझे एक बार उसका फेस तो दिखा दो। अब फेस दिखाने पर उन लोगों को थोड़ा चेहरा डाउन हो जाता है, लेकिन फेस अब योमो ने कहा था तो दिखाना ही पड़ेगा। और जब उसका फेस हटाया जाता है तो ये और कोई नहीं बल्कि मरमिन होता है, जो कि यानदान का दोस्त और योमो का दोस्त होता है। तो इस पर वो बहुत ऐसे हंसने लगता है योमो। तो उसके फादर बोलते हैं तुम हंस क्यों रहे हो, तो बोलते हैं कि अरे हंसू कैसे ना, ये तो मेरा दोस्त है और मैं इसको बस एक लेटर लिखूंगा और ये वापस आ जाएगा। अश्वान आता है और बोलता है कि तुम खाना नहीं खा रहे हो, तो वो मेड बोलती है कि इन्होंने सब कुछ खाने से इनकार कर दिया है। तो वो मेड को थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि तुम किसी काबिल नहीं होगा, तुम इसे खाना नहीं खिला सकते हो तो तुम किस काबिल हो। इस पर अरे जालौन बोलती है कि तुम्हें तमीज नहीं है, सिटीजन पर हाथ उठा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। तो वो बोलता है कि तो क्या करूं, तुम मुझे बताओ ना कि मैं क्या करूं, और तुम ने मुझे हर बार धोखा दिया है, तुम्हें मेरे से ज्यादा केयर उस यूमो की है, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूं तुम मेरे साथ कभी अच्छी रह नहीं सकती। तो इस पर जावलान बोलती है कि आसमान मैंने तुमसे शादी करने की बात कही थी और मैं तुमसे सिंसियरली शादी करना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास ही नहीं किया और क्या किया, किसी के लोगों को तुमने मारना शुरू कर दिया और तुम चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करूं। वो बोलती है कि आसमान अगर तुमने मेरे से जबरदस्ती की तो मैं अपने आप को खुद मार डालूंगी। तो वो कहता है खुद से जावलान उसको मारने चलता है, तो वो अपना गाल आगे कर देती है और वो यहाँ पर आसमान उसको मारता नहीं है लेकिन अपना हाथ पीछे कर लेता। और भंगवे नहीं होती है मिलने खुद आसवान से, क्योंकि वो आसवान को सारे सीक्रेट बताने के लिए तैयार थी। तो आसवान बोलता है कि तुम मुझे ये सारे सीक्रेट क्यों बताना चाहती हो, तो वो बोलती है कि देखो मेरा और तुम्हारा लक्ष्य एक ही है, तुम भी यूमो को मारना चाहते हो, मैं भी यूमो को मारना चाहती हूँ। मतलब वो आसवान को अपने पूरे झांसे में ले लेती है और यहाँ पर आसवान भी उसकी बातों को मान जाता है। इसके बदले में वो अपने गोल को पूरा करने के लिए उसकी यूमो को वीकनेस भी बता देती है, चारों उसके सारे सी के गॉड उससे लड़ने वाले हैं ये बात भी बता देती है। और आसवान क्या करता है ना, उसे स्प्रिट बीट्स देता है जो उसकी फैमिली से बिलोंग करता है, और वो कुछ भी उसके साथ होगा तो आसवान के पास मैसेज आ जाएगा और वो उसकी हेल्प के लिए जाएगा। अब वो एक रिंग की तरह उसके हाथ में बनती है और वो उस रिंग को देखती है और वो रिंग ले लेती है। इधर जो यूमो होता है ना, उसने मामिन को अपने पास बुला लिया होता है, और मामिन जब यानदान को देखता है और बोलता है पूरे 800 साल तक फॉरगेटिंग रिवर यानदान ने पार की और आज फिर वो वहीं पर आकर हो गई। अब वो उससे मिलने के लिए कहता है कि यानदान, अब वो पीछे मुड़ती है, बोलता है कि अरे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, उसको गले लगाने चलता है। तो बोलती है दूर हटो, हो कौन तुम भाई, तुम मुझे गले क्यों लगा रहे हो, अपना नाम भी बताओ। तो यूमो हंसने लगता है, बोलता है कि ये मेरा दोस्त है और ये बहुत ही पावरफुल बैकर है। ओहो तो ये भी गॉड है। आर्मिन बोलता है कि हम लोग पहले ही बार मिले हैं, तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट प्रिपेयर किया है। तो बोलती है ओ मैं तो बहुत शर्मीली हूँ, तो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आओ, लेकिन किस तरह का गिफ्ट। तो वो वहाँ पर अपनी पावर से एक तरबूज मीन्स वाटरमेलन लेता है और वो यूमो और यानदान बैठकर वहाँ पर खाते हैं, और उसको खाते हुए देखकर मरमिन बहुत ही खुश होता है। यहाँ पर कुछ सैनिक होते हैं जो ईस्ट सी और वेस्ट सी के बैटल के बारे में बात कर रहे होंगे कि मतलब इसका क्या परिणाम निकलेगा। हमारे पास 5,000 सोल्जर हैं और उनको भेज दिया गया है कि 50,000 सोल्जर वहाँ पर भेज दिए जाएंगे युद्ध के लिए जो तैयार हो रहे हैं। और ये सारी बातें लिंगविन सुना करती है और हमेशा की तरह वो तो अपना काम करेगी। जानकारी आसमान को देख